नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोस्तुते। प्रत्यालीर्णपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलंबिते खर्वे लंबोदरे भीमे कालिकायै नमोस्तुते। नवयौवनसंपन्ने गजकुंभोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोस्तुते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोस्तुते। व्याघ्रचर्मांबरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोस्तुते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोस्तुते। प्रलयानल ध्रूमाभे चंद्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोस्तुते। ब्रह्मशंभुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटि समायुक्ते कालिकायै नमोस्तुते। कृपामयी हरे मातः सर्वा शाप परिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोस्तुते। इति उत्तरतंत्रार्गतम् श्रीकाली तांडव स्रोतम् संपूर्णम्। सभी को जय श्री राम, जय महाकाली। आज हमारा 777 क्विज है। आप लोगों को काफी जान हो गया होगा अब तक इतने सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स देख देख कर। तो आज जो है वो आपका परीक्षा है एक तरह की। देखते हैं आपको कितने जो है क्वेश्चन आते हैं। वेलकम जूनी जी, आपका बहुत स्वागत है। जी मैम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। जी हम शुरुआत तो न्यूज से करेंगे और अभी 11 लोग देख रहे हैं और भारती जी का भी मुझे इंतजार है, तो न्यूज तो हम अभी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काफी सारे न्यूज हैं। हाँ जी भारती जी, आपका बहुत स्वागत है। जी न्यूज शुरू करते हैं आज की। जी मैम, भारती जी आपको जय श्री राम। सबको जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। बहुत अच्छा आज का दिन होने वाला है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। बिल्कुल, अभी 13 लोग देख रहे हैं भारती जी और न्यूज हम शुरू करते हैं। ये पहली न्यूज है जी। कौन पढ़ रहा है? भारती जी डिसाइड करेंगी। आप पढ़ रहे हो जी? नहीं मैम, तौकीर ने खुद को राजपूत बताकर गरीब हिंदू युवती को फांसा। शादी के बाद राज खुलने पर कहा, अब मुस्लिम बनो, पूजा की जगह नमाज का दावत दबाव। हाँ दबाव। घर से भागी पीड़िता, छोटी वाली फॉन्ट। युवती का आरोप है कि सच्चाई पता चलने के जब उसने तौकीर को छोड़ने की बात की, तब आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। तौकीर और उसके परिवार के लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। हाँ मतलब कि देखो, इसने अपने आप को राजपूत बता के शादी भी कर ली। अब तो ये लोगों को किडनैप और मतलब धर्म परिवर्तन शादी से पहले नहीं करा रहे, बल्कि शादी झूठ करके और बाद में कह रहे हैं कि तुम जो है मुस्लिम धर्म अपनाओ। मतलब कि अब चूंकि शादी की एज भी हमने 21 साल हो गई ना, तो अब इन्होंने नया पैतरा ये अपनाया है कि अब ये शादी पहले कर लेते हैं और धर्मांतरण बाद में करवाते हैं। कौन सी जगह की न्यूज है मैम?
हैं? कौन ये सी जगह अटल, की न्यूज है? ये पूरा पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। ये है बिहार के कटिहार में हिंदू नाम का कटिहार मंदिर। के क्योंकि कटिहार यूपी का अगर के होता मणिहारी तो, क्या क्या हाँ चलो को पहले पढ़ लीजिए, अगर यूपी का केस होता ना तो ये कर नहीं सकते थे, उसी टाइम ये बंदा अरेस्ट हो सकता था, क्योंकि विदाउट किसी अपनी आइडेंटिटी छुपा के वहां पे अब शादी नहीं कर सकते आप। ये अभी क्योंकि बिहार में बना नहीं है ये वाला कानून, इसलिए वहां पे अभी भी ये धड़ल्ले से हो रहा है। तभी सब लोग अभी केंद्र पे दबाव डाल रहे हैं कि इसको नेशनल लेवल पे बनाओ इस कानून को। हाँ, बिल्कुल। मैं तो सोच रही थी ये नेशनल लेवल पे, मुझे पता ही नहीं था हाँ नहीं 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 नेशनल। नहीं सिर्फ यूपी बिहार और गुजरात में बना है, अभी तीन जो यूपी स्टेट्स है ना उनमें बना है ये, जहां पे दूसरी गवर्नमेंट्स हैं वहां पे नहीं बना अभी ये। यहाँ पे लागू करना चाहिए और यूपी, कठिन सॉरी कठिन सॉरी, सजा मैं देनी बिहार बोल चाहिए। दिया। एमपी, हाँ, यूपी, एमपी और गुजरात। इनका तो बल्कि एक वो बनाना चाहिए, इतनी मतलब जैसे जीनी बोल रही कि कठिन इनको दंड देना चाहिए, और इसका एक एग्जाम्पल भी बनाना चाहिए। उनको अभी फैमिली भी को भी इसमें बहुत करवाना सारी चाहिए कमी मैम। है। हाँ, अभी फैमिली। भी चाहे लव जिहाद में जितने मर्जी 113 केस जो है आइडेंटिफाई हुए हैं यूपी में, अभी तक किसी को पनिशमेंट हुई नहीं है, एक दो केस को छोड़ के। अभी भी इसमें मैम बहुत सारे झोल हैं, अभी भी वो इतने बड़े बड़े लॉयर करते हैं कि सबको निकाल के ले जाते हैं वो। वो ही है दिक्कत, अगर इनका खतना होता है ना उनका पूरा काट देना चाहिए कमीनों का। जी, आगे पढ़िए। अगर आगे देख लेते हैं कि कैसे इसने इससे धोखा दिया। जी। मैं पढ़ देती हूँ। पीड़िता की माने तो तौकीर आलम नाम के शख्स ने राज राजपूत बनकर फेसबुक पर, यानी फेसबुक पर हिंदू लड़की से दोस्ती की। इसके बाद मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों में बातचीत होने लगी। कल हमारे चैनल पे सरस्वती नाम की लड़की है, वो भी बता रही थी अपने डिटेल्स। तो ये ना बड़ी जल्दी ये लोग वो कर लेते हैं। फिर तौकीर जूली से मिलने भी आया। तौकीर ने अपने पिता का नाम अमित सिंह बताया और कहा कि उसका परिवार दिल्ली में रहता है, लड़की के पिता नहीं है, जबकि माँ सब्जी बेचती है। गरीबी के कारण जूली ने तौकीर से कोर्ट में शादी कर ली। और कोर्ट में, तो फिर बिना डॉक्यूमेंट्स के कोर्ट में कैसे इन्होंने कर कैसे ली? होगा? हाँ, अगर ये क्योंकि बाकी फेक स्टेट में डॉक्यूमेंट्स है बना ना नहीं मैम, है मैम। वो मरेगा। शादी के बाद युवती ने ससुराल जाने और बाप परिवार के बाकी सदस्यों से मिलने की जिद की। इस पर पहले तो तौकीर टालमटोल करता रहा, फिर उसने अपनी बहन के घर सुपौल ले गया। जूली के मुताबिक उसकी बहन और आसपास के लोगों का रहन-सहन व खान-पान अजीब लगा। फिर जूली को सच्चाई का एहसास हो गया। पुष्टि के लिए जूली ने आसपास पूछताछ की तो पता चला उसका असली नाम तौकीर आलम है और उसके पिता का नाम मोहम्मद नासिर है। सच्चाई जानने के बाद पीड़िता जूली के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसे यह भी पता चला कि तौकीर पहले से शादीशुदा भी है और उसकी 11 साल की बेटी भी है। वाह, गॉड डैम इट, मैं वही सोच ही ओ रही थी माय कि गॉड, कहीं सेकंड ये ना हो, हाँ, सेकंड वाइफ ही है, शिट। और और पता नहीं कौन ये सी। हिंदुओं की सारी लड़कियों को भ्रष्ट करना चाहते हैं ये। मैं इनका समझ गई हूँ, ये इनका शर्म आनी मैम, चाहिए सरकार को, ये इनके इंडियन पूरी गवर्नमेंट की को, ये पूरी हमारे कोर्ट फैमिली को, को अंदर कर ज्यूडिशरी देना को। चाहिए। हाँ, नहीं इनकी नहीं पूरी नहीं नहीं फैमिली। नहीं नहीं मैं तो ये कह रही हूँ कि सबसे पहले तो अपनी सरकारों को, हमारी जुडिशरी को, सबको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इनको। इनको पता ही नहीं है कि इनके नाक के नीचे क्या क्या, इनके लॉज के क्या बुरा हाल कर रहे हैं, लोग हाँ, फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे क्यों तो इनको दे रखा है जो अपनी चार शादियां करने का अधिकार? पता, मैं क्या इसकी जगह चाहती अब हूँ, कोई हिंदू लड़का होता अब तक जेल पहुंच चुका होता वो। पता मैं क्या कहती हूँ भारती बिल्कुल जीनी जी, कि ये जो जिसने जाली आईडी बनाई है ना, सबसे पहले तो उसे फांसी ही दे देनी चाहिए। हाँ मैम, अपना इंस्टा चेक करिए, आई थिंक कृष्णा जी ने कुछ लिंक शेयर किया है आपको। हाँ, तो ये वाली न्यूज पढ़ने के बाद वो भी करेंगे। का आरोप है कि मैम सच्चाई पता पूरी की चलने पूरी फैमिली को अंदर कर देना चाहिए मैम, सिर्फ आरोपित को नहीं। फैमिली को कैसे करेंगे, क्योंकि एक पर्सन का क्राइम दूसरे पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन जो नहीं वो जिसने आईडी बनाई है दे, ना नहीं उसको। देखिए वो साथ में रह रहे ना, उसको पता है कि उसकी शादी हो, शादीशुदा है और 11 साल की बेटी है उसका, फिर भी वो चुप रहे तो सपोर्ट कर रहे हैं क्राइम को।
हाँ कुछ ना कुछ तो पेनल्टी उनको भी लगनी ही चाहिए, ये हाँ अगर वो भी अलग से हैं, उनको नहीं पता कि ये कुछ काम कर रहा है, फिर ठीक है, साथ में रह रहे हैं, उनको पता है कि वो गलत कर रहा है, फिर वो एड कर रहे हैं ना क्राइम में, उनको भी लगना सब चाहिए। मिले हुए हैं, सब मिले हुए हाँ हैं, कमीना इनको पता होता है, क्योंकि वो जो श्रद्धा वाला केस था उसमें उसके माता पिता को पता था। अच्छा एक बात और, कल मैं कुछ सुन रही थी तो श्रद्धा के माता पिता के बारे में तो सब बता रहे हैं, पर वो आफताब के घर के बारे में कोई किसी ने जानकारी नहीं दी, उसके कितने हाँ बेटे ये हैं वो है, उसके बारे में कुछ नहीं है। उसके पेरेंट्स का ये करना चाहिए प्रचार, उसके एक पेरेंट्स, ऐसे लड़के को पैदा किया और परवरिश किया ऐसी अरे उनको सब साइको पता है, की। इन लोगों को पैसे मिलते हैं मस्जिदों से, युवती का मैम आरोप है कि ये मेंटल डिजीज ना है, जेनेटिक होती है, मोस्ट हाँ, जेनेटिक होती है ये। आई बिलीव दैट। तो इसका मतलब यस इनकी लड़कियां भी ऐसी ही होती हैं। मेरे को कल जो हाँ, जितेंद्रानंद स्वामी जी के साथ मेरा उसके रिलेशन, पिता ने कितने लोगों की होगी हत्या, किसे पता, अभी बताओ अच्छा मैं इसको पहले फिनिश कर लूं फिर एक बात बताती हूँ। जी। युवती का आरोप है कि सच्चाई पता चलने के बाद जब उसने तौकीर को छोड़ने की बात की तब आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। तौकीर और उसके परिवार के लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। जूली ने बताया कि तौफीक उस पर अक्सर धर्म बदलने का दबाव डालता और मारपीट करता। वह उसे पूजा पाठ करने से मना करने लगा और नमाज पढ़ने के लिए कहने लगा। पीड़िता की को मुस्लिम महिलाओं की तरह ही कपड़े पहनने को कहा जाने लगा। हिम्मत दिखाकर जूली घर से फरार हो गई और पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। जूली अपने परिजनों के साथ बिहार स्थित अपने घर वापस आ गई। जूली ने तलाक के लिए गुहार लगाने के साथ ही आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि तौकीर सुपौल का रहने वाला है और दुबई में नौकरी करता है। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि कल मेरे ना इस पर जितेंद्रानंद स्वामी जी के साथ जो मेरा वीडियो, उस पर किसी ने लिखा था कि आप तो इन लोगों को की विमेन को क्यों बचा रही हैं, ये तो हमारी विमेन को मार रहे हैं, और जो हमने जितेंद्रानंद जी जो घर वापसी कराते हैं तो वहां पर किसी ने लिखा है ये कि हम क्यों इनकी महिलाओं को बचाएं, ये तो हमारी महिलाओं को काट के टुकड़े कर रहे हैं। मेक सेंस ना मैम, जो सनातनी हाँ लड़कियां फंस गई हैं पहले उनका बचाव कीजिए प्रायोरिटी। और एक केस जी वो भी आया है कि एक बंदे ने एक बंदी ने जो जो कि घर वापसी करी, एक हिंदू लड़के से शादी कर ली, कितने साल के बाद अब वो उसको कह रही है कि तू मुस्लिम बन, यानी वो मुस्लिम कीड़ा इसको से गया नहीं है। देखो नहीं, प्रायोरिटी तो हम सनातनियों को ही देना चाहिए ना, ये तो है। बट इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, मैं बाकी ओपिनियन। कहती हूँ कि कुछ लोग जो वहां से निकलना चाहती हैं, जो रियली में निकलना चाहती हैं, उनकी हेल्प कर देने के लिए। कभी नेक्स्ट न्यूज भारती जी किससे पढ़ रही हैं, कोई और आ रहा है या जीनी जी पढ़ रही हैं तो पढ़ें। मैं पढ़ती हूँ मैम। आप कभी पढ़िए। भी मेरी हत्या, शराबी बॉयफ्रेंड से मार खाने वाली अभिनेत्री का छलका दर्द, कहा मेरा हाल भी श्रद्धा जैसा, एक्टर के साथ लिविंग में थी। कनिष्का ने साजिद खान पर और आरोप लगाया था, साजिद ने उनकी फिगर देखी और कहा कि ये अच्छा है, वे उसमें अपने बिस्तर पर आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने इसके बाद उसका पेट देखते ही डिमांड कर डाली, उन्होंने साजिद खान से पेट देखने की हाँ डिमांड पेट करी। देखने की डिमांड कर डाली, उन्होंने हाँ साजिद खान से मना कर दिया। फिर साजिद खान ने उसकी पोर्टफोलियो बंद करके कहा कि वह उन्हें फिल्म में नहीं ले सकते। ये लड़की है कनिष्का ये है वो लड़की, सोनी, इसमें टीवी भी नाम एक्ट्रेस कनिष्का सोनी। यस ये क्या मतलब उसमें आती है, ये वो जो दिया और बाती में आती है क्या ये लड़की? नहीं, दिया बाती में तो नहीं थी ये, दिया शायद यहाँ आ जाए। आफताब के साथ लिव इन में रहने वाली और श्रद्धा बाती वॉकर। लिखा है, लिखा है। अरे यार ये वो बनती है संध्या, जो वो है जो एक आईपीएस ऑफिसर है, दिया और अच्छा तो बाती, मैंने इसको देखा था कहीं। इसका साइड पोज था, मैंने पहचाना नहीं, कि निर्मम हत्या के ने देश को झकझोर दिया। इस बीच टीवी एक्ट्रेस कनिष्का इसको सोनी पूरा ना ने पढ़िए, अपने लिव इन रिलेशनशिप के यहाँ से बारे में पढ़िए, बात ओके यहाँ से। कनिष्का ने बताया कि वह एक्टर उसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी आदतें बहुत खराब थी, वह हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था,
वो शराब पीता था और उसे एंगर इश्यूज था, उसके बावजूद उसने उन्होंने उसके साथ रहने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि एक्टर में समय के साथ बदलाव आ जाएगा। वेरी गुड। मैम एक अभिनेत्री ने बात मुझे कहा समझ में नहीं आती, हाँ क्या हिंदू लड़कियों की कमी है, क्या अकाल पड़ गया क्या, ये जा जाके मोमिनों के पैरों में क्यों पड़ती है ये? पता है क्या जीनी, मैं बताती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर ये कि अपने हिंदू लड़के तो वैसी लड़की ढूंढ रहे होते हैं जो उनकी माँ जैसी है, और मतलब कि जो घर में फिट हो जाए, शादी की तरह से सोचते हैं। पर ये मुस्लिम लड़के जो हैं वो दे से व्हाट दे वांट टू हियर, मतलब कि ये फंसाने के टैक्टिक्स लगाते हैं और इसलिए ये लड़कियां उधर फंसती हैं, क्योंकि वो देगा उसको ऐसी बातें, कहेगा तू चॉकलेट नहीं दे रही ना, तू ये नहीं, उसे बड़ा पजेसिव प्रेम दिखाएगा। और वो विभू नहीं बता रही थी एक बार कि वो कहेगा देख तूने ऐसा अपना चुन्नी इस तरफ क्यों डाली, तूने देख दोनों तरफ, उसको दिखाएगा कि देख मैं तेरे को कितना तेरे सिक्योरिटी के बारे में सोचता हूँ मैं, ये हाँ, करता इतना सिक्योर के कॉफिन में, सूटकेस में, फ्रिज में डाल देगा सिक्योरली। हाँ, मतलब वो तो ये दिखाएगा ना, मैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है, बाकी लोग ऐसे न्यूज में आते हैं, वो व्यक्ति विशेष खराब है, इस्लाम बुरा नहीं है, ये तो ऐसे तो दिखाता है। इस्लाम से थोड़ी ना शादी कर रही है, व्यक्ति विशेष से ही तो शादी कर रही है ये। मतलब इनका दिमाग का क्या है यार, पागल एक बात नोटिस करी कि जो ये का। इंडिया में जो सीरियल्स आते हैं, जितने भी ये सीरीज आती हैं, तो जैसे दिया बाती है उसमें भी देखो मैं लड़का जो, सीरियल्स नहीं देखती हूँ मैम, आई थिंक इसीलिए मेरा दिमाग ठीक है अभी तक। मैं भी नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी खाना खाती थी तो 10 मिनट के लिए खोलती थी तो दिया बाती आ रहा होता था, तो मैंने मैंने उसके अच्छा बारे में पता किया कि मुझे कहीं से पता चला कि जो सूरज है उसमें जो हीरो है, जो मतलब एक्टर है, वो है अपना मुस्लिम, और लड़की है एक्ट्रेस जो ये जो लड़की थी कनिष्का सोनी, ये है अपनी हिंदू, तो हर एक में ये दिखाया है कि 90% जितने भी सीरियल आ रहे हैं सभी चैनल्स में 90% जो एक्टर है, मेन लीड एक्टर है, वो मुस्लिम है और लड़कियां मोस्टली हिंदू लड़कियां हैं। अभी अभी जो एक और बड़ा हिट सीरियल जो आ रहा था, क्या नाम था उस सीरियल का, उसके हीरो ने, उसके एक्टर ने भी शादी करी है, तो उसने भी हिंदू लड़की से शादी करी है। कुछ अच्छा लोग ये बोल भाई रहे हैं भाई का हिंदू गर्लफ्रेंड था। मैं यार हिंदू गर्लफ्रेंड क्यों ढूंढ रहे हो, मोमिन गर्लफ्रेंड ढूंढ लो ना। या भारती जी है कि ये भी पढ़ लीजिए लास्ट वाला पैराग्राफ, जी कनिष्का ने बताया, मेरे शादी के सवाल पर ही गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा आ गया और उस रात उसने मुझे बहुत मारा था। उस वक्त मेरे अंदर ये डर बैठ गया था कि वह मुझे कभी भी मार सकता है। मैं उसी रात उसके घर से अपना कुछ सामान लेकर भाग निकली थी। प्यार में मैंने लड़कों का केवल यही हिंसक रूप देखा है। हाँ ये बताओ। लोग ना मतलब धीरे धीरे धीरे, उन्होंने शुरू में कितना भी प्यार दिखाना, बच गई है लड़की, बहुत बची। मैम आपने वो नीचे वाला कमेंट पढ़ा, मतलब कमेंट नहीं, वो जो न्यूज आर्टिकल अभी आपने शेयर किया है कि कनिष्का सोनी मैरिड हरसेल्फ पोस्ट अच्छा पिक्चर विद सिंदूर, ये क्या नाटक है भाई बताओ, तो ज्यादा ही नौटंकी है ये तो, हाँ, ये तो फालतू। उसको वो कर रहे हैं ट्रोल, लेकिन उसने सही काम किया, उसको काम करने का ध्यान रखिए। ये कमेंट अच्छा है। बाती ऋतिक गुजर बोलते हैं, बाती बनके जल जाती हैं बेचारी, बिल्कुल सही है। जी हाँ पढ़ लूं? पढ़िए। सामूहिक ईसाई धर्मांतरण के मामले में वो सर टेरर टेरर, फंडिंग ओ टेरर फाइंडिंग की की आशंका, आशंका, अच्छा टेरर फंडिंग की आशंका, एटीएस की रडार पर एक स्कूल भी खंगाले खंगाले जा रहे 36 आरोपितों के बैंक जा खाते। रहे, हाँ आरोपितों के बैंक खाते, सब फंडिंग चलो, चल रही है उत्तर इनकी भी। प्रदेश एटीएस ने 7 महीने पुराने धर्मांतरण के इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए इसमें हुई फंडिंग से जुड़े नेटवर्क को खंगालना शुरू किया है।
इसके लिए एटीएस ने धर्मांतरण के आरोपितों के बैंक खातों को डिटेल जुटाना शुरू कर दिया है। बैंक खातों की डिटेल कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि टेरर फंडिंग हो रही है। यहाँ पे ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है मैम। मैं वही देख रही हूँ इसको सरसरी निगाह से कि 36 आरोपितों में से 31 आरोपितों के बैंक खातों की डिटेल मिल चुकी है, बस यही है। अच्छा, ये है एक सीपीएस स्कूल की एक महिला टीचर का भी नाम शामिल था। अच्छा, सीपीएस, अब ये सीपीएस की फुल फॉर्म सीपीएस। अच्छा, ये वो सेंट्रल वो जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनका पूरा नाम क्या होता है इंग्लिश में? सेंट्रल केंद्रीय शिशु, नहीं नहीं शिशु नहीं, मैं कह रही हूँ जो एक केंद्रीय स्कूल इंडिया में ना है जगह जगह जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय। हाँ, केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय, उसका पूरा इंग्लिश में क्या नाम है? केंद्रीय विद्यालय ही गवर्नमेंट स्कूल ही होता है, गवर्नमेंट स्कूल ही होता है उनका नाम। अच्छा, मुझे लगा सीपीएस उसी का नाम होगा। नहीं नहीं वो केंद्रीय विद्यालय कहलाता है। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के पीछे गांव का या शहर का या उस सेक्टर का नाम लग जाता है। अगर बड़ा शहर हो और उसमें कई सारे स्कूल हो तो उस सेक्टर का नाम लग जाता होता है। बस इसमें यही बता देते हैं कि चर्च ऑफ इंडिया के पादरी विजय मसीह के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर, इस्लामी मुल्क के शाही परिवार के सामने झुका FIFA, जिस वर्ल्ड कप की स्पॉन्सर ही बियर कंपनी, उसमें शराब पर लगाना पड़ा बैन। वेरी गुड। सभी 64 मैचेस के सभी 64 मैचेस के दौरान स्टेडियमों में अल्कोहल रहित बियर की ही बिक्री की जा सकेगी। शैंपेन, वाइन, विस्की सिर्फ तय किए गए स्थानों में ही परोसी जाएगी। इतना मतलब ये विवादित है, मतलब ये जो वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है कतर में हो रहा है ना, मुस्लिम कंट्री है, लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लगा दिया कि वो बिकनी नहीं पा सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और इसका स्टेडियम बनाते हुए कितने मजदूर मर गए। मर गए, हाँ हाँ, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ, आई थिंक 10,000 मजदूर मर गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इतना जल्दी जल्दी उनसे कैसे काम करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे, मतलब ये पूरा का पूरा, मतलब इससे ज्यादा मैम हम जो बुक पढ़े ना, कभी नहीं हुआ। ये नंगी तस्वीर उसमें था ना, बार्ले और गेहूं ये सब अलाउड है अल्कोहल, ये स्निपेट स्क्रीनशॉट निकाल के भेजना पड़ेगा इनको फीफा लोगों को, देखो भाई एज पर इस्लाम अलाउड है, एज पर सुन्नी इस्लाम, तो डिमांड करो अलाउ कर दिए। तो कतर में सुन्नी है कि शिया है? पता नहीं, शायद शायद सुन्नी। अच्छा, सुन्नी तो ज्यादा ईरान इराक में ही है और यमन में भी। नहीं नहीं, ईरान इराक शिया है मैम, बाकी सब सुन्नी है। हाँ, ईरान नहीं, शिया यमन भी है, शिया है, इराक सुन्नी है। हाँ, इराक की लड़ाई होती है। करेक्ट, वन ऑफ देम इज आई थिंक इराक इज शिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, ईरान इज, अभी थोड़ा रिसेंटली ही हमला हुआ था, यूएई पे हमला किया था यमन ने। जिनके भी लास्ट सरनेम्स हुसैन और ईरान, ईरान न पे एंड होता है, ईरान हुसैन, ये सारे लोग जो है ना, ये सब शिया होते हैं। ओह अच्छा, ओके, दैट्स अ गुड शॉर्टकट टू रिमेम्बर। गुड, अच्छा, और अब चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान कहीं का नहीं है, वो अपने खुद का जीनियोलॉजी पता नहीं, कभी तुर्क डिसेंडेंस बन जाता है, कभी मुगलों का डिसेंडेंस बन जाता है, कभी सऊदी का डिसेंडेंस बन जाता है, मतलब जीनियोलॉजी का गेम खेल रहे हैं। जहां जब जहां जब फायदा दिखे उधर को मुड़ जाओ, मालिक। यस, शायद मिक्स है सब। चलो न्यूज बढ़ते हैं। मुस्लिम प्रेमिका और घर वालों ने जबरन खतना कराया, 11 लाख वसूले।
महाराष्ट्र के दलित युवक पर इस्लाम अपनाने का दबाव। एआईएमआईएम सदस्य जलील पर भी आरोप, नाम ही जलील है उसका। एआईएमआईएम सांसद जलील पर भी आरोप। दीपक सोनवने ने अपनी शिकायत में आगे कहा, 12 अगस्त 2022 को सना शाहमीर शेख और ख्वाजा सैयद ने मुझे क्लाउड कैंपस में आने के लिए मजबूर किया। वहां उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट पर मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नायक के वीडियो दिखाए और मुझे नमाज अदा करने जाकिर नालायक के वीडियो दिखाए और मुझे नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि तुम महार नहीं बल्कि वेश्या समुदाय से हो, वैश्य समुदाय से हो, पर यहाँ पे वैश्या लिखा हुआ है। हाँ, वैश्य समुदाय से हो। माय गॉड। और प्रताड़ना भी दी जा रही है, और ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम। हाँ बिल्कुल, आपको नहीं पता था क्या? नहीं, मेरे को बहुत चीजें नहीं पता है, मतलब मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पता है। इसके जितने भी जलील है ना, वो जलील हरकतें करने में माहिर हैं। अभी उसका लेटेस्ट बयान है कि अगली प्राइम मिनिस्टर बुरके वाली होनी चाहिए, अभी कल फिर से बोल रहा था वो। अच्छा ये देखो, तो एमआईटी में पढ़ता था लड़का दलित, यहाँ पर फंसाया उसको सना फरहीन शामीर ने। क्या है एमआईटी? प्लीज डोंट टेल मी इट्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लीज। नहीं, ये मराठवाड़ा प्रौद्योगिकी। हाँ, मराठवाड़ा देते हैं एमआईटी। हाँ, मराठवाड़ा जो लोकल है, ठीक है फिर। अच्छा हाँ, और मतलब अगर मैसाचुसेट्स बोल देते तो मैं मतलब सीरियसली डिप्रेस हो जाती मैं। नहीं देखो, उसका जबरन खतना भी करा दिया। बेचारे की टोपी फालतू में काट डाली। हाँ। अगला देखते हैं। आफताब पर पुलिस थर्ड डिग्री प्रयोग नहीं कर सकती, कोर्ट ने आदेश दिया। श्रद्धा खोज रही थी अपने पार्टनर का गुस्सा कम करने की दवा। वेरी क्रिएटिव। आफताब का और 5 दिनों का कस्टडी रिमांड कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन दिशा निर्देश भी दिया है, थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं करना होगा, 5 दिनों के अंदर ही नार्को टेस्ट भी करवाना होगा। चलो अच्छा है, बस इसको और आगे नहीं पढ़ेंगे, अगला देखते हैं। हनी ट्रैप में फंसे नेहरू के कारण देश पटा, 12 साल तक वे देश की खुफिया रिपोर्ट अंग्रेजों को भेजते रहे। सावरकर के पोते ने पीएम मोदी से की जांच की मांग। वेरी गुड, होनी चाहिए। माउंटबेटन का हवाला देते हुए रंजीत ने कहा, वायसराय ने लिखा था कि उनके भारत छोड़ने के बाद पंडित नेहरू ने उन्हें 12 वर्षों तक हर दिन अपनी रिपोर्ट भेजी थी। वाह, रंजीत सावरकर ने कहा कि यह खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि नेहरू को हनी ट्रैप में फंसाया गया था और वे फंस गए। ये क्या फंस रहे थे? हो सकता है ये खुद भी इन्वॉल्व हो, वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि वो बेचारे निर्दोष थे और उन्हें फंसा लिया। मुझे तो लगता है ये मैम इसको पूरा पढ़ना चाहिए, ये पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है पढ़ो फिर आप, मैं इसको दोबारा से वो कर देती हूँ रिफ्रेश। मैम 50 लोग हो गए व्यूअर्स। हाँ पर इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए ये बात। पढ़िए पढ़िए, मैं बस बोली बस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर पर देश के साथ धोखा देने का आरोप लगाया था। जब अब सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आज ही राहुल गांधी ने सावरकर जी को फिर से घेरा है, उनके आपत्तिजनक उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणियां करी हैं, उनके माफी मांगने की उस पे टिप्पणी करते हुए उन्होंने बहुत भद्दे आरोप लगाए हैं। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पंडित नेहरू एक महिला के कहने के कारण देश का विभाजन करने पर सहमत हुए थे,
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 12 वर्षों तक पंडित नेहरू ने देश की गुप्त जानकारियां अंग्रेजों के साथ साझा की थी। रणजीत सावरकर ने इस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। बता दें महाराष्ट्र में वाशिम में राहुल गांधी ने सावरकर पर देश से गद्दारी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों को पत्र लिखकर उनका नौकर बने रहने के लिए कहा था और आजीवन पेंशन लेते रहे थे। इस दौरान उन्होंने सावरकर पर एक पत्र भी मंच से लोगों को दिखाया था। रणजीत सावरकर ने शुक्रवार 18 नवंबर 2022 को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्री एडविना और पंडित नेहरू के बीच हुए पत्राचारों को अंग्रेजों से वापस मांगा जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा इससे पता चलेगा कि देश चाचा नेहरू कहता है उसे उसने देश के साथ कैसे धोखा किया है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर आरोपी की झड़ी लगाते हुए रणजीत सावरकर ने कहा कि पंडित नेहरू 9 मई से 12 मई 1947 के बीच अकेले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला गए थे। वे वहां 4 दिनों तक रहे। रंजीत ने आगे कहा उस दौरान एडविना के ब्रिटिश सरकार को लिखे पत्रों में कहा गया था कि मैंने पंडित नेहरू को अपना अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। व्यक्तिगत संबंधों को लेकर एडविना के पत्र में उल्लेखित बातों का जिक्र करते हुए रंजीत सावरकर ने कहा कि पंडित नेहरू बहुत व्यस्त हैं इसलिए वे नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ 4 दिन बिताए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और ये दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। रंजीत सावरकर ने यह कहा कि एडविना ने अपने पत्र में लिखा था कि पंडित नेहरू मेरे काबू में आ गए हैं। रंजीत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने देश की सुरक्षा को दरकिनार कर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय मुक्त किया। उन्होंने कहा कि बलवंत सिंह ने कहा था कि माउंटबेटन वायसराय होने के कारण पाकिस्तान में सेना नहीं भेज सकते। 20,000 लड़कियों का अपहरण कर पाकिस्तान ले जाया गया। नरसंहार को देखकर भारतीय नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए मैंने पूर्ण नियंत्रण ले लिया। माउंटबेटन का हवाला देते हुए रंजीत ने कहा वायसराय ने लिखा था कि उनके भारत छोड़ने के बाद पंडित नेहरू ने उन्हें 12 वर्षों तक हर दिन अपनी रिपोर्ट भेजी थी। रंजीत सावरकर ने कहा कि यह खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि नेहरू को हनी ट्रैप में फंसाया गया था और वे फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जांच की मांग करते हुए रंजीत से कहा कि पीएम को इस पूरे मामले की जांच कराना चाहिए। इससे पहले भी कई लोग हनी ट्रैप में पकड़े जा चुके हैं और उन्हें सजा भी दी जा चुकी है, लेकिन नेहरू की बात की बता कौन करे। उन्होंने इस हनी ट्रैप पर राहुल गांधी से जवाब मांगा। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। भारती जी जी, अबू के साथ दंगा करने वाले नाबालिग को सो रहा बच्चा साबित करने में जुटा मीडिया गिरोह। भेजी गई है 2.9 लाख की देनदारी की नोटिस, बोले हिंदू हमारी संपत्ति अब भी भगवान भरोसे है। ये न्यूज़ समझ में नहीं आई मुझे। अब्बू के साथ दंगा करने वाले एक बच्चा जो है वो दंगा कर रहा था, उसने किसी और की संपत्ति का काफी नुकसान किया। उसका अब्बू बोल रहा है कि वो बच्चा तो सो रहा था। अच्छा, अब समझी। अपना नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर ट्रिब्यूनल मेंबर ने हमें आगे बताया कि कानून आपराधिक मामलों में नाबालिग को झूठ देता है, लेकिन हुई नुकसान की भरपाई भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल है, ये लोग हर एक को नाबालिग बता देते हैं। 12 साल का है, मध्य प्रदेश वहां से उठा उठा के इसने तोड़फोड़ भी करी और सामान भी चुरा के लेके गया उन लोगों के घर से। हाँ, रामनवमी के दिन जी जी हाँ, तभी से ये न्यूज आ रही है। नुपुर शर्मा के बयान पे फोड़ दिया इन दंगों का ठीकरा। अच्छा, वो क्या कह रहा है, कृष्णा कह रहा था कि मैं वो वाली न्यूज भी पढ़ दूं, वनांदू जी को भी मैं ऐड कर देती हूँ। जिनी जी, तो वो कौन सी न्यूज, कोई कह रहा है इंस्टा पे उसने और न्यूजें भेजी हैं, एक कोई पेज है वो न्यूज भेजता है उसका, मुझे बता रहा है वहां से भी मैं पढ़ दूंगी। पढ़ दो। अभी जो भारती जी आपने पढ़ा है नेहरू के लेटर को लेकर एडविना का, ये बहुत गंभीर आरोप है। नहीं बिल्कुल, इनका जब जी करता है दीक्षित जी,
ये सावरकर को घेर के उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी महाराष्ट्र में बैठ के। हाँ इस टाइम राहुल गांधी महाराष्ट्र जो के दौरे पे है और शिवसेना की तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वहां पे बैठ के वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब सावरकर जी को घेर के रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये सारी न्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। ये वाली शायनी मुश्ताक कादरी, मोहम्मद मुश्ताक कादरी हु रेप द किड, इसने माइनर का रेप किया है और दो बच्चों को, हाय बाप रे, 1 साल का बच्चा और 1.5 साल का बच्चा, उनको ले जाकर दिल्ली से किडनैप करके देहरादून में बेच दिया। ये उत्तराखंड की न्यूज़ है। पता नहीं कितना गिरेंगे। रोज कितनी सारी न्यूज आती हैं ये वाली, क्या करें। गवर्नमेंट जो है वो, सब लोग सो कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पर वाकई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हर जगह ये हो रहा है। ये है दिलदार मैम होते गवर्नमेंट को क्यों करना चाहिए? मैम खुद का दिमाग नहीं गवर्नमेंट, है क्या? हर बात मतलब पे नहीं गवर्नमेंट पे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं लोग। गवर्नमेंट को भी देखो, गवर्नमेंट जो है वो राजा के समान है और प्रजा का, वो टैक्स लेती है तो टैक्स लेती है सुरक्षा देने के लिए, तो गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल है वो। और हाँ हम वो लोगों ठीक है, के बट वो नहीं कर रहे तो आगे बढ़ो ना, खुद का देख हाँ लो तुम। कब हाँ तक बैठे ये देखो, रहोगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब? अभी हमने देहरादून का पढ़ा, और हमने बिहार की भी पढ़ी न्यूज, मध्य प्रदेश की भी पढ़ ली, अब यहाँ देखो दिलदार हुसैन 27 साल का, उसने 8 साल की बच्ची जो स्कूल से घर वापस आ रही थी उसको अब जो है एक सुनसान जगह पे ले जाकर, और उसके अपना अपना हाथ उसके मुंह में घुसा के उसको चुप करा दिया, और वो बच्ची ब्लीड कर रही है अपने नेक से क्योंकि इसने अपना पूरा हाथ उसके मुंह में घुसा दिया है। ये इंसिडेंट लखीमपुर असम का है। अब मौलवी जैनुल हक लस्कर, उसने 7 साल की लड़की का रेप किया और फिर उसको इस्लामिक टीचिंग्स की ट्यूशन दिलाने लगा। ये ट्यूशन दिलाता था इस्लामिक टीचिंग्स की, उसका 7 साल की लड़की का रेप किया। ये सिलचर की न्यूज है, ये भी आसाम मोमिन की। थी क्या मैम वो लड़की? हो सकता है मोमिनी है। हाँ वरना क्योंकि हिंदू कोई नहीं भेजेगा ना पढ़ने, तो उनकी हाँ गलती है, पेरेंट्स स्टॉप करें उसको, भेजते क्यों है? हो गए ऐसे ही। एक गलत गाड़ी रुक गई विदिशा में, तो वहां पर एक माइनर लड़की 2 महीने प्रेग्नेंट थी। ये उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की न्यूज है। मोहम्मद आसिफ जो है वो अपनी बीवी के संग उसको पॉर्न पिक्चरें दिखाता था और उसके साथ बहुत क्रूअल्टी करता था और उसके साथ ओरल सेक्स भी करता था, उससे अपने दोस्तों के साथ जो है ना प्रेशराइज करता था रिलेशनशिप बनाने के लिए। जिस जंगल इंजीनियर में के फेंक हुकूक गए है। श्रद्धा के टुकड़े, उसी जंगल के पास झुग्गी में रहने वाली महिलाओं में है डर, बताया है पास में है मुस्लिम आबादी। अच्छा, इसने उस जंगल में फेंके थे। और ये लड़की है, ये छत्तीसगढ़ की न्यूज है, पोटिया पद्मा भपुर दुर्ग, ये है, ये चाय नाश्ता का स्टॉल लगाती थी। मोहम्मद इरफान ने 7 हजार का इससे लोन लिया, तो जब इसने वापस हिंदू वुमेन ने अपना लोन मांगा तो इसने खौलता हुआ तेल जो है उसके ऊपर डाल दिया, इसको 50% बर्न्स आए हैं। तो इसको जरूरत क्या है लोन देने की, वो भी मुसलमान को, कभी मिलेगा वापस। और ये देखिए रोहिंग्या ट्रेडर्स को इन्होंने मारा है। सेकुलर का नशा, हाँ, सेकुलरिज्म का नशा। तीन जिहादियों को इन्होंने अरेस्ट किया है कि ये सोना स्मगल कर रहे थे। ये रही सोने की तस्वीर, देखो पंद्रह मैम लाख कैश एक मिले हैं, फॉरेन करेंसी, मोबाइल फोन्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड ये भी मिले हैं। कितनी सारी न्यूज़ है, हम इसको पढ़ते चले जाएंगे तो कई लगते जाएंगे। इसको यहीं स्टॉप करते हैं, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मैम आज। एक कमेंट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ सर्किट जी का, अब पढ़िए। हाँ डेमोक्रेटिक कहाँ गया, गायब हो गया। सॉरी डेमोक्रेटिक वन सेक वन सेक। गवर्नमेंट राजा के समान नहीं होता, ग्रुप हु मेक्स मोर नॉइज वुड बी लिसेंड इन डेमोक्रेसी। हाँ आई ये अग्री बात विथ हिम तो जी सर्किट जी।
अभी 50 से ड्रॉप होके 44 लोग रह गए हैं, लेकिन हम 45 हो गए हैं, लेकिन हम इसको फिर भी स्टार्ट करते हैं। एक और चीज है, अगर सरकार से सब लोगों की सुरक्षा नहीं होती है, वो उसको बाद में आके ही लोगों के पंचनामे ही करने हैं, तो लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करने की इजाजत दे। कोई बंदा अपने पास छोटा मोटा भी हथियार रख ले तो उसको आर्म्स एक्ट के अंडर अंदर कर देती है। हाँ, ये गलत है, इसी ये तो बहुत ही बुरी बात है। एक तो उनको से बचाव नहीं कर रही, और हमें जो है अपनी रक्षा करने का वो नहीं दे रही है। हाँ, अपनी रक्षा करने का अधिकार भी नहीं है। बस आपके पास इतना है कि आप कोई सोटी डंडा मार लो, या आपके हाथ में कुछ चीज आ गई है, कोई गमला आ गया, कुछ और आ गया, तो वो आप उठा के मार दो, बस इतना। आप कोई हथियार नहीं रख मैम, सकते अपने पास। हालत तो ऐसी है, हमारी खुद की पुलिस मिलने सिर्फ का कोई बनेगा नहीं ना। एक डंडा रख रही है, एक पुलिस फोर्स, बताओ। उनको कुछ ये नहीं है, मशीन गन कुछ नहीं है, डंडा दे दिया है हाथ में, अब क्या करेगी पुलिस? हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने। एटलीस्ट पुलिस फोर्स को सफिशिएंट आर्म्स देने चाहिए ना, फॉरगेट अबाउट पब्लिक। और जो ये गुंडे हैं, ये AK-47 लेके घूम रहे हैं और हाँ, राइफलें लेके घूम रहे हैं। ये राइफल रीलोड करेंगे तब तक वो 40 लोगों को मार चुके होंगे। पता है, यहाँ पर कोई जरा सी बात होती है तो सारे पुलिस वाले जो हैं वो वेस्ट पहन के आते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में इंडिया में तो पुलिस वाले आम ऐसे गाजर मूली की तरह मारे जाते हैं ये लोग का, तो ये भी उनको भी उनको प्रोवाइड करना वेपनाइज करना चाहिए। चाहिए पुलिस फोर्स को तो एक सबसे बार पहले। बताया था ना मैंने, एक बार बताया था मैंने कि कुछ ऐसा सर्टेन एरिया है जहाँ पे पुलिस भी जाने से डरती है, वो सरेंडर कर हाँ देती है। फिर जब हाईली वो, हाँ, जब ये होता है कि बाकायदे लेटर लिखा जाता है और कहा जाता है कि नहीं, इस जगह मुझे इजाजत चाहिए, तब उन्हें आम दिए जाते हैं। ये तो हालत है यहाँ की, ये चीज तो है। आप अगर किसी मुस्लिम एरिया में जाइए, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि एक बटालियन, अरे फिर तो पूरी की पूरी फेस की ले जानी पड़ती है। ये हालत है। चलिए शुरू करें मैम, क्योंकि बस काफी स्टार्ट टाइम हो गया। करें किसी जी, ओके, शुरू करते हैं। बीच में मुझे एक बार जाना पड़ेगा इसके साथ, ये यहाँ अभी 40 मिनट हो गए हैं इसको। तो कौन है कैंडिडेट्स, ऊपर आइए। वनांदू जी, आप हमारे पहले कैंडिडेट हैं, आप तैयार चलिए हैं पुलिस बनान पार्टी? दीजिए जी। मैम नमस्कार जी, जय हिंदू राष्ट्र, आप तैयार हैं? जी। जी बताएं। ओके। स्क्रीन शेयर नहीं हुई मैम। एक मिनट, मैं जरा कुछ लगा रही हूँ। एक मिनट, पहले से करना चाहिए था। गुड। एक मिनट, और हमारे रूल्स भी पता है सबको कि जब म्यूजिक चलेगा तब कोई मत बोलना, और जब भारती मैडम पूरा पढ़ लेंगी ना क्वेश्चन, जब सारा सारे चॉइसेस, इसके बाद जो है वो कैंडिडेट को आंसर करना है, उसमें से एक मल्टीपल चॉइस में से एक आंसर, और इसके बाद प्रमाण के वक्त जब तक जीनी पूरा प्रमाण ना पढ़ ले, कोई डिस्कशन मत स्टार्ट करना। ओ सॉरी, क्या बात कर रही हूं मैं।
हमारा क्विज रंगीले रसूल का रंडी रोना। देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को आहत करें। जो लोगों का विचार रहता है कि ये दुनिया का वाहिद सबसे खूबसूरत मजहब है और सबसे पाक साफ है, तो हम बस उसकी पाकीजगी को आपके आगे रख रहे हैं। तो उसी पाकीजगी का एक नमूना आज का क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। पहला शब्द मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक एक कमजोर हदीस और एक मुफ्ती मौलाना के कथन में डैश ऑप्शन है, एक कमजोर हदीस ज्यादा मान्य है, बी एक मुफ्ती मौलाना का कथन ज्यादा मान्य है, सी दोनों बराबर अहमियत रखते हैं, डी दोनों बेकार हैं। जी बोनांदू जी। जी मैम जी जी, आपको क्या लगता है कौन सी ऑप्शन इसके लिए सही है? एक कमजोर हदीस ज्यादा मान्य है, क्योंकि ये लोग हदीस को ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, उसी पे ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आंसर है ए, तो लॉक कर दिया जाए, अल्लाह ताला लगा दे इसको। जी जी, देखते हैं आपका आंसर सही है। जी चलिए मैं प्रमाण पढ़ देती हूँ। वो थोड़ा कट ऑफ हो गया आई थिंक एट द बिगिनिंग, बट ओके, नॉट हैव इंक्लूडेड। अच्छा, यू ऑलरेडी हाइलाइटेड वीक हदीस आर यूज्ड टू सपोर्ट ओपिनियंस बिकॉज अ वीक हदीस कंटेनिंग द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट इज प्रिफर्ड ओवर प्योर ओपिनियन एंड पर्सनलाइज्ड इज्तिहाद। And this is the example set by all the scholars, including Imam Bukhari himself, who used them deliberately in his work, Al-Adab Al-Mufrad. Fath Al-Bari, page number 12, Praman. Ji. Ji. To aapka clapping. कि आपने भाई तो ये रोज कमाल कर दिया। रोज अटेंडेंस लगाएंगे तब यही होगा। नेंदू जी, ये आपके रोज आने का कमाल है जी। पता है क्या कि ये मेरा कहते हैं ना कि ये दाईफ है, ये वो है, ये वो है, ऐसा नहीं है कि जो मौलाना है उसकी अहमियत कम है और वीक हदीस की भी अहमियत ज्यादा है, ये सही है बात। अब मैंने कल ही आपसे एक एग्जांपल वो तो दे दीजिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना कि कल ही मैंने प्रीति नहीं ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन प्रीति मैम ने कल बोला कि हदीस को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। हाँ, मेरा आंसर दे लिया था तुमने कल, मैं बच बच के आंसर दे रही। मेरे को वही याद रह गया कि एक बार इनकी किताब में तो झूठ से भी लिख दिया जाए ना कि यही ठीक है, तो फिर वही ठीक है। हाँ, अब आप समझ गए इनकी नस को। जी नहीं, एक बार प्रीति जी ने पहले भी बताया था कि जो ऑथेंटिक हदीस होती है वो अगर 98% या 95% गुड होती है। यहीं पे रुक जाइए, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ना बताइए। अच्छा ठीक है, ना बताइए, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, हमें नहीं पता था ना। हाँ अच्छा, वो संजीव त्रिपाठी जी भी जुड़े थे लेकिन वो हो गए, ड्रॉप हो गए हैं, तो मैं और लोगों को कहूंगी कि प्लीज ऊपर आइए। और जीनी जी, आप उनको भी हाईलाइट कर दो जो आंसर जो सब लोग दे रहे हैं। तो विपिन बादशाह, तो वो गलत था, आई थिंक ए आंसर ही गलत करेक्ट था, जो बनांदू ने दिया वो शायद ए आंसर था।
मैं चेक कर लेती हूँ, ये आंसर था एक कमजोर हदीस ज्यादा माने, यानी ए ए सही है, तो बी गलत था, जिनका भी आंसर बी था। विपिन वाजपेयी जी, थोड़ी करेक्शन कीजिए। जी, तो खाली जिनके करेक्ट है ना, जीनी जी सबके मत हाईलाइट करिए, जिन्होंने करेक्ट आंसर किया ना उसका हाईलाइट करिए बस। ये अपने कृष्णा का अरे भी सही था, ये भी जानकार हो गया। हाँ चले फिर, नेक्स्ट कौन कौन आंसर करेगा? नेक्स्ट ठाकुर, नेक्स्ट ठाकुर करेगा। ठाकुर, ठाकुर ठाकुर, रेडी? गब्बर सिंह का अपोजिट देखते वाला। हैं, हाँ देखते हैं ठाकुर, अब ठीक है, तेरा ज्ञान टेस्ट करेंगे। अच्छा जो लोग आंसर कर चुके हैं वो पैनल पे छोड़ दें, क्योंकि हम नेक्स्ट नए नए लोगों को यहाँ पर चाहते हैं कि आके आंसर करें। जी नेक्स्ट। मैम अगर सभी को मेरी तरफ से नमस्कार मैम, जितने भी हैं सभी यहाँ पे, जय हिंदू जी राष्ट्र, जय श्री राम, इनकलाब जय जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र, जय क्या हिंदू बात है, राष्ट्र। इनकलाब ठाकुर आप भगत पार्टिसिपेट सिंह करना चाहते हो ना, जी मैम, पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना? पेपर लीकिंग। जी प्रीति मैम, जी आपका पेपर लीक हो गया। जी मैम, बिल्कुल मैम। ठीक मैम लेकिन मेरे लिए कुछ है। अलग सा प्रश्न पूछिएगा, ये नहीं नहीं जो नॉर्मल नेक्स्ट वाले। आएगा, नेक्स्ट आएगा वो वही तो पूछूंगी। सीक्वेंस में ही आएगा ठाकुर, देखते हैं तेरी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ जी सब लोगों से कहूंगी कि आप लोग ऊपर आइए, अपनी डरिए मत, अपनी नॉलेज टेस्ट करिए, देखिए आप लोग तो कितने विद्वान हो गए हैं एक्स मुस्लिम्स देख देख कर चैनल्स, तो प्लीज ऊपर आइए। अरे हमारी स्ट्रीम सुन के आपको जो यहाँ पे नॉलेज मिल रही है, हम देख टेस्ट करना चाहते हैं आज। हाँ मतलब दूसरे की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आके हम थोड़ी पेपर लेंगे, हम अपनी यूनिवर्सिटी के पढ़ाए स्टूडेंट्स का ही पेपर लेंगे ना। हाँ अगर मुझे 1 मिनट दे तो मैं वो जो सनातनी टीम थी उसको भी कर दूं मैसेज, क्योंकि लोग ऊपर कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं, इतने कैंडिडेट्स आने चाहिए और भी। और जी नेक्स्ट मैम क्वेश्चन करिए। है वो टफ सभी क्वेश्चन। देखने वालों से अनुरोध है कि आप जो कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर जो एक इन ब्लू आपको लिंक नजर आ रहा है उस पे क्लिक करें और स्ट्रीम में जुड़े। सरस्वती जी आप भी जुड़ जाइए, आई थिंक अभी तक आपने नहीं जुड़ा इस टीम में, तो मैम लिंक शेयर कर देंगी और सब लोग प्लीज जुड़िएगा। थैंक यू। वो लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है, ऊपर लिख करा हुआ है, पिन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है ठाकुर जी। अरे मैम इतनी दुविधा में मत डालिए मैम। ठाकुर तू तो गयो। मैं फेल हो गया मैम, फेल हो गया मैम, मैं फेल हो गया मैम। मैदाने जंग क्वेश्चन से भागना। क्या है, ये तो पहले ही क्वेश्चन तो पढ़े। मसीह हदीस लिखा हुआ है पहला शब्द मैम। सही, सही हदीस। हाँ ओके, सही हदीस, हसन हदीस और दाइफ हदीस के बीच अंतर है डैश। ऑप्शन है ए सही हदीस 100%, हसन हदीस 77%, 72%, और दाइफ हदीस 5% सही है। ये पता है मेरे को, 1 सेकंड के लिए प्रीति जी ने रोक लिया, अदरवाइज मैं तो आंसर बताने वाली थी उसी टाइम। हाँ हाँ मैं भी बोलने जी वाली थी। ए,
एक सही हदीस 100%, हसन हदीस 99% और दाइफ हदीस 85% सही है। सी ए सही हदीस 100%, हसन हदीस 50% और दाइफ हदीस 0% सही है। डी ए सही हदीस 100%, हसन हदीस 65% और दाइफ हदीस 5% सही है। जिनी अभी कमेंट शेयर मत करो, पहले नहीं वो कंफ्यूज हो जाएगा, सभी लोग सभी आंसर दे रहे। नहीं 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 क्लू नहीं दे वो एबीसीडी सब बोल रहे लोग। पहले ठाकुर को अपने बाल खुजा लेने दे थोड़ा अच्छे से। अच्छा लाहौल विला कुवत इल्ला बिल्ला लाहौल। मैम इसका आंसर है एक सही दसीद 100% हसीन हदीद। मैम बी को ठोक दिया जाए, मैम बी को रगड़ दी जाए, रगड़ दो बी को मैम। नकलची बंदर, बी को अल्लाह ताला लगा दिए जाए मैम। मैम रगड़ दिया जाए बी को मैम। मैंने लगता है वैसा वाला म्यूजिक भी लगा दिया जो कट नहीं था, तो वो चलता ही रहेगा। तो चलिए मैं प्रमाण पढ़ देती हूँ। टेक्निकली नॉट अ कलेक्शन ऑफ द ओनली हदीथ दैट स्कॉलर शुड यूज। द स्कॉलर्स देमसेल्व्स स्टेट अ सही हदीथ हैज अबाउट 99 to 100% चांस ऑफ बीइंग एंटायरली एक्यूरेट। अ हसन हदीथ हैज अबाउट 85 to 99% चांस ऑफ बीइंग एंटायरली एक्यूरेट। अ दाइफ हदीथ हैज अबाउट 45 to 85% chance of being entirely accurate, and this is the widest hand of accuracy. Even a fabric hadith has a 0 to 45% chance of being accurate, since the grading it was given may have been wrong or the fabricator may have spoken the truth in this instance. One second, I'll make it. Oh. Quick. Yeah, I was wondering why it's so tiny. Yeah, because na wo music maine aisa laga diya tha, wo cut nahi tha. अच्छा अच्छा ऑल राइट। तो मैं फिर से पढ़ देती हूँ प्रमाण। द स्कॉलर्स देमसेल्व्स स्टेट अ सही हदीथ हैज अबाउट 99 to 100% चांस ऑफ बीइंग एंटायरली एक्यूरेट। अ हसन हदीथ हैज अबाउट 85 to 99% चांस ऑफ बीइंग एंटायरली एक्यूरेट। A daif hadith has about a 45 to 85% chance of being entirely accurate, and this is the widest hand of accuracy, band of accuracy. Even a fabricated hadith has a 0 to 45% chance of being accurate, since the grading it was given may have been wrong or the fabricator may have spoken the truth in this instance. Ji, should I read the rest as well? I think answer. अच्छा, so very good. So weak ahadith should not be treated like fabricated ahadith because an 85. Jini, yeah. You need. I'm coming in like 5 minutes. You can discuss this after reading. Sure. कहाँ थी मैं? Because an 85% chance of being entirely accurate is a very high chance. If a person received 85% on his test course, would he throw that out, saying that isn't worth anything? Each hadith is treated individually. There is no such thing in Islam as banning an entire grade of ahadiths from being used. Even fabricated ahadith are still studied because one scholar may grade it fabricated while another may grade it sahih. And there are many famous examples among the scholars of this occurring.
फत अल बारी पेज नंबर 12 प्रमाण। तो इससे पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी ने तो टॉप कर दिया। कंग्रेचुलेशंस, सही अरे जवाब। अरे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैम। ये हाँ बोलिए, भारती मैम बोलो ने बोलो। भारती मैम ने कहा कि नकलची बंदर मैम, नकलची बंदर रोटी लेके भाग गया, दो बिल्लियां लड़ती रह गई। नकलची इंसान टॉपर हो गया। हम फर्स्ट मैम, हम फर्स्ट। हाँ, नोई नकलची इंसान टॉपर हो गया, नकल मार के टॉपर बन गया। अरे मैम, टॉप ही करना है, कुछ भी करना है बस। लेकिन अच्छा चलिए, टॉपर हदीद पे बनना आ है। जाए, वापस हदीद पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी हदीद, चाहे वो फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड मतलब कंप्लीटली फॉल्स, वो कंप्लीटली फॉल्स भी क्यों ना हो, उसको 0 to 45% चांस है एक्यूरेट होने का। अब ये तो फोर्टी फाइव कंप्लीटली टू एटी ऑपोजिट है। फाइव 45 to 85, 0 तो है ही मैं नहीं, 45 to 80 वो लिखा दाई है। हदीद है मैं, मैम मैं बोल रही हूँ फैब्रिकेटेड हदीद, नॉट अ दाइफ हदीद। दाइफ हदीद तो 45 to 85, ये बोल रहे हैं इवन अ फैब्रिकेटेड हदीद, मतलब कंप्लीटली झूठा जो हदीद है उसको भी ये 45% चांस देते हैं एक्यूरेट का, एक्यूरेसी का। बताओ, अब ये भी बोल रहे हैं कि एक बोलेगा फैब्रिकेटेड है और दूसरा बोलेगा वो सही है, तो कोई यानी भी कि ये हदीद कि रॉन्ग नहीं यहाँ है। पे जितना मर्जी बोले कि ये दाइफ हदीस है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी दाइफ नहीं है। अगर दाइफ होता तो वो आपकी वेबसाइट पे क्या कर रही है। ये लोग सही हदीत को भी दाइफ बोल रहे हैं। एक सबसे हम बड़ी कुछ दाइफ हदीस वो होती है, 13 दिन तेरे लिए मेरा दिन मेरे लिए, जो यहाँ बहुत चलती है। ये तो नहीं कहते कि भैया ये रेगुलर में नहीं आती है। इनके लिए सब कुछ बढ़िया है, बस उनके प्रोपेगेंडा में फिट हो जाए बस। आवाज ही को हो मेरे रही है, कोई को, सी ना। ड्रॉप होके दोबारा आना पड़ेगा, मेरा हेडफोन का लिंक टूट गया। नेक्स्ट कैंडिडेट चंद्रशेखर जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, आप बैक में। विपिन वाजपेयी जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, हर जय हर हिंद महादेव, जय राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। जी, जय हिंदू राष्ट्र। तो किन्होंने ठीक आंसर किए थे, वो हाईलाइट कर दिए थे जीनी ने। चलिए देखते हैं कितनों के आंसर सही थे। हाँ हाँ एक सेकेंड, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया मैम, वन सेकेंड। बी बी आंसर करेक्ट है। हाँ, सो मेनी पीपल। सबसे पहले तो ऋतिक जी ने, ऋतिक गुर्जर ने बोला था बी, पर उन्होंने ये भी बोला कि भारती मैम ने बी बोल दिया तो उन्होंने बी चूज कर लिया। तो भारती मैडम हमेशा चीटिंग कराती है, मैंने ये रोज देखिए, पूछा भारती हमसे, भारती आंसर दे मैम ने बताया था। भारती मैंने मैम पे मैम केस हो जाएगा, किसी दिन कहाँ बोर्ड वाले उठा के ले पे जाएंगे इनको, सीबीएसई बोर्ड वाले। कहा हद। मैम आई ड्रॉप, सो आई लॉस्ट द चैट हिस्ट्री। दिस ठीक है, कोई इज दिक्कत राइट आंसर, बट आई ऑलवेज आंसर रॉन्ग। गरिमा जी इट्स ओके, आपको पता था तो काफी है। या आई लॉस्ट। चंद्रशेखर स्वर्णकर जी आई थिंक नए 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 जुड़े हैं, उन्होंने भी सही आंसर दिया, और अच्छा। ऋतिक ने आई ऑलरेडी सेड दैट, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने बी करेक्ट आंसर दिया था मैम। चलिए नेक्स्ट वाले हमारे विपिन वाजपेयी सभी जी। पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन विपिन वाजपेयी जी। जी मैम जी, जी, आप रेडी हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी मैम, अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन मेरे लिए था मैम। अपने दीन की सच्चाई बयान करता हुआ तीसरा प्रश्न, मैम पहला अक्षर बता दें। मोहम्मद। मोहम्मद। मोहम्मद अपनी 9 पत्नियों के साथ केवल डैश स्नान का उपयोग करके संभोग करते थे। सेक्स। ऑप्शन है ए 9, बी 3, सी 2, डी 1। मैम एक और ऑप्शन होना चाहिए था, अनलिमिटेड। जी जी मैम, घटिया से घटिया जो हो सकता है वो। बोलिए। एक एक तो डी को अल्लाह ताला लगा दीजिए। जी अच्छा प्रमाण है, अनास रिपोर्टेड The messenger of Allah used to have sexual intercourse with his wives with a single bath. Sahih Muslim 309, Book 3, Hadith 30, Book 3, Hadith 606. जी, तो बिल्कुल सही जवाब। अच्छी ना, जानकारी बात नहीं था, ये गुसल था। गंदे से गंदा, हे भगवान, कितना गंदा। करेक्ट फॉर्मूला। सबको शॉर्टकट पता चल गया मैम। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। कुलदीप मौर्य जी, बीजे जी, बहुत सारे लोग। कुरान का ज्ञान फैल रहा है। आप लोग फैला रहे हैं। अरे सर, आपके लिए, आपके लिए बदतर हुरे होगी सेट ऊपर, अब आप एंजॉय कीजिए। हमें नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, इसमें जो जीतता है उसे बदतर हुरे मुबारक होती है। नहीं मैम, ऐसा ऑप्शन मत रखिए। अरे सर, आपको तो मैं जबरदस्ती अलॉट कर। देखो ठाकुर खुश हो गया, ठाकुर को देखो खुश हो गया। अरे हमारी सीट तो बुक है मैम, क्लिफ हैंगर जी ने करवा दी है मेरी सीट बुक। अच्छा, नहीं आए आपके पार्टनर क्लिफ हैंगर जी आज, पार्टनर इन क्राइम? अरे वो मैम, वो थोड़ा बिजी है ना, उनको थोड़ा वो, अच्छा सीट बुकिंग करने में बिजी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, मिल जी समझ के। मुझे लगा उसमें बिजी है जिसके पहले नहाना होता है। हे भगवान, अरे बिजी जी बस करो यार, आप तो सीधे टारगेट कर लेते हो। बुक की असर होने लगी आप पे। मतलब कि आप वही वाली बात करते ही फौरन यही बात बोले तो फिर ऐसा लगा मुझे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आज बहुत कम लोग देख रहे हैं, 56 लोग ही हैं खाली। अरे अरे जितेंद्र जी लिखे, बिना नहाए ही चढ़ जाता था। अरे हाँ, बिकॉज आफ्टर दैट कंप्लीट करने के बाद गुसल करता था ना, तो उससे पहले की कुछ ये नहीं है। अच्छा मैं सोचती हूँ जो लास्ट वाली बीवी होगी उसको तो सबसे कंटामिनेटेड मिला। बिल्कुल। अरे बस करो पीटी जी, इतना डीपली मत सोचा करो। इतना डीपली क्यों चली जाती है? टेक्निकली करेक्ट है मैम आपने जो बोला। हाँ तो जो आखिरी वाली है बीवी, उसका उसके साथ तो बहुत नाइंसाफी है। तो उसमें भी मैम क्या नंबर क्या फिक्स रहता था कि अलग अलग होता था? अरे वो एक साथ ही करते थे। आपको पता? इतना डिटेल नहीं पता, पर जो अरे वो उनके हुकूक है ना, उनके हुकूक है वो। जी जी, प्राउड है उसके हुकूक पे।
वो आ गया जिनी जी का वर्ड हुक कुक कुक कुक। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकती हूँ, जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले आएगी, उससे बड़ी, उसके बाद फिर बड़ी लास्ट वाली सबसे बड़ी वाली होगी। हाँ ये हो सकता है। हाँ ये बोले, ये देखिए ग्रहण कर लो आगे काम आएंगे, मैं तो मौलवी आलिम बनूंगा। अरे यार इतना भी मत हो जाओ, कन्वर्ट ही हो जाओ भाई। हम एचआईवी एड्स इनसे ही आया आएगा। वो देखिए हलाला स्पेशलिस्ट का कमेंट पढ़िए नीचे, पीला पानी इसलिए ही निकलता था। भाई मैंने तो सफेद सोना था, ये पीला कहाँ से आ गया? अच्छा वो इन्फेक्शन है। ओके ओके नहीं, वो एक्चुअली एक हदीस में आता है जिसमें जिक्र होता है इसको लेकर के, साहिल जी के ऊपर बड़ी स्ट्रीम हुई थी और उसमें ये गए थे जो पीटी जी आपसे डिस्कस किया था किसी ने, फालतू का आदमी, अरे वो याद है लिपस्टिक मैन, वो गया था साहिल की स्ट्रीम में इसी बात को लेकर के, साहिल ने अच्छे से उसे रेत दिया, लिपस्टिक लौंडा रगड़ दिया मैम ऐसे बोलिए। सिर में उसकी कुछ नजर नहीं आता मुझे। एक बार मालूम है और वो आया था, मैं निकलता हूँ। नमस्कार जी, जी धन्यवाद, आप जुड़े बने रहे स्ट्रीम में। जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंदू राष्ट्र। नेक्स्ट कैंडिडेट हाजिर हो, पटना वाला जी है। और ये तो बात सुन ले प्रीति जी, ये बात तो सुन ले, एक बार वो पता नहीं क्यों किसी के जो जैसे भी वो अपना क्या वो जो लगा के आता ना अरबी वगैरह सब साफा वगैरह उतार के आया, तो मैम इतनी हंसी आ रही थी, आधे तक तो उसके बाल नहीं थे और आधे में मैगी वाले बाल थे। प्रीति जी मुझे उस दिन बहुत हंसी आई थी उसे देख के, लिपस्टिक वाले। गरिमा जोशी जी से जुड़ी है पहली बार, स्वागत है आपका गरिमा जी। बिल्कुल स्वागत है मैडम आपका। जैनी जी नमस्कार। अरे सर करीबन आप है जी जी बोलिए। मैं दो टाइप से आता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, आनंद जोशी भी मैं ही हूँ, गरिमा जोशी भी मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है और बहुत इससे इंस्पिरेशन मिलती है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करने की इंस्पिरेशन मिलती है सर। क्या करने की, अरे सनातनी है, मूल्य नहीं है, छोड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पटना वाला जी नेक्स्ट। पटना वाला जी आप रेडी हैं? भारती जी कहाँ गई? आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो नहीं हो गए? उन्होंने अपने आप को म्यूट तो नहीं कर रखा है? नहीं वो ड्रॉप हो गया मैम, आई कांट सी हर इन द बैक पार्टिसिपेंट लिस्ट। ठीक है एक आप पढ़ लेंगी या मैं पढ़ू? मैं एक्सक्यूज मी, अरे भारती जी आई थिंक शी विल जॉइन बैक। ठीक है दीक्षित जी, अरे मैं पढ़ूंगा मैडम। नहीं 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 दीक्षित जी पढ़ देंगे। एक्सक्यूज मी लेट मी रीड। नहीं दीक्षित जी पढ़ेंगी, आप अपना चॉइस बताना। जी हाँ, तो अभी आपके सामने आर 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 का चौथा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक सही हदीस के अनुसार यदि कुत्ता आप में से
किसी मैम मुझसे हटा दीजिए, यदि कुत्ता आप में से किसी के बर्तन में पीता है तो उसे डैश बार धोना अनिवार्य है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, एक सही हदीस के अनुसार यदि कुत्ता आप में से किसी के बर्तन से पीता है तो उसे डैश बार धोना अनिवार्य है। तो 9 बार, बी 3 बार, सी ऑप्शन 7 बार, डी ऑप्शन 1 बार। हाँ, आपका क्या ऑप्शन है बताइए? सब गलत है। कोई एक चूज कर लीजिए। एक चूज करना पड़ेगा। एक तो राइट है सर, एक तो राइट है। अरे धोना नीचे, ये तो कह रहे हैं कि एक बार धोने बिना धोए पी लो। जब मरे कुत्ते का गिरा पानी पी सकते हैं तो बर्तन धोने की क्या जरूरत है? हाँ सब गलत है। अच्छा तो आप नेक्स्ट कैंडिडेट को ले लीजिए, अगर आप आंसर नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट ले ले जी। अच्छा अभी किसने आंसर दिया था? पटना वाला जी ने। किसने दिया था मैम आंसर? I can't see, मेरे को तो सारे में यही दिख रहा है ना, आप लोग देख सकते हो। पटना वाला जी आप एक आंसर चुन लीजिए, आप ही का टर्न था। म्यूट पे है क्या जी? एक ऑप्शन चुन लीजिए। नहीं वो म्यूट पे है, ठीक है। विल टेक द नेक्स्ट पर्सन। एक्सेक्युलर जी आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। म्यूट पे क्यों है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, उन्होंने अपने आप म्यूट कर लिया। जी जी आ रही है। जी वैसे मेरे को इसका आंसर तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद 7 बार। जी गलत है। सी को अल्लाह ताला लगा दिया जाए मैम। जी देखो, पर मेरे को जहां तक लगता है कि उनका फेवरेट तो तीन है। हाँ। जो काउंटिंग में उनका फेवरेट नंबर तो 3 है। Excuse me. अच्छा, प्रमाण ablutions wudu 33 chapter 33, if a dog drinks from the utensil of any one of you then it is essential to wash it 7 times. Oh are lol velak hello mashallah बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया मैम। जोनम जी हो गए, ऋतिक सनातनी जी हो गए, और कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? कृष्णा ने गलत आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया। गलत आंसर ना हाईलाइट करो, खाली। अच्छा, बीजे जी ने सही उत्तर दिया, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। सुषमा सिंह जी ने करेक्ट आंसर दिया। ये कंफ्यूज करेक्टर है मैम, कंफ्यूज करेक्टर है नबी अपने नबी सल्लम जी। हाँ, पीने के पानी में कुत्ता, मतलब कुएं में कुत्ता गिर जाए, मर जाए, मरा हुआ कुत्ता गिर जाए, कुछ नहीं है। पर कुत्ता अगर किसी बर्तन में पानी पी जाए तो उसको 7 बार धोना है। जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, प्लीज। हेलो जी जी, बोलिए। हाँ हाँ, ऐड करें जी। एक बात, अरे आपकी आवाज भी आ रही पीछे। जो बोल रहा है, बोल कौन रहा है यार? बोल। अरे शांतो आरडी बात कर रहे हैं। शांतो जी बोल रहे हैं। शांतो जी जी, हाँ जी बोलिए। पानी पीने के पानी के साथ जो की वो लड़की है, अगर यदि मोमिना अगर कर लेती तो वो भी कुत्ते जैसा ही। तो क्लियर नहीं सुनाई दे रही, यानी मोमिना के हलो? भी कुत्ता और मोमिना बराबर बराबर कंपैरिजन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नमाज पढ़ने के वक्त अगर सामने से गधा, कुत्ते
और लड़कियां चली जाए तो नमाज टूट जाती है, तो गधा कुत्ते लड़कियां कंपेयर एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ जी, जी इनके कहने का मतलब है कि अगर कुत्ते तुम्हारे बर्तन में से पिएगा तो तुम 7 बार धोगे, तो गधा पिए और औरत पिए तो भी 7-8 बार धोगे। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही। जी 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 वेलकम, जी जी याद है मुझे, बोलिए सर। उस दिन आप बहुत देर रुक के चले गए थे, बोलिए। जी जी जी, अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, पर स्ट्रीम देख रहा था तो इस बात हुई, तो मेरा कहना मेरा माइंड में था ये बात ऐड करूं, इसीलिए मैं ज्वाइन हुआ मैम। हाँ शांतो जी, आप कुछ हम मैम के साथ एक डेडिकेटेड स्ट्रीम करना चाहेंगे, आप बोल शेयर कर सकते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के क्या हाल हैं अभी, और अपने बारे में भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हो। जी जी जी, मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ है, इसीलिए मैं बोल नहीं। हाँ हाँ समझ सकती हूँ, अगर हो सके तो आप जब भी सेफ हो आप देखिए। धन्यवाद आपका शांतो जी और एक्स सेकुलर जी, आप लोग फिर से बाद में जुड़िएगा। नेक्स्ट कौन है, गरिमा जी हैं शायद, गरिमा जी हैं, और फिर हाँ गरिमा सर। मैम एक और नई न्यूज है, क्या आमिर खान की बेटी की एंगेजमेंट हो गई। तो इसमें क्या, किससे हो गई? हिंदू लड़के के साथ। अच्छा तो अब उसको कन्वर्ट करेंगे, वही तो। हाँ अब हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं, मतलब इन लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है, नजीस लोगों के साथ ही इन लोगों ने अपने रिश्ते जोड़ने होते हैं। अरे उनको फंडिंग मिलती है, आपको लोगों की कमी मिलती है। बात एक और भी है जी, सारे छेद तो ये चुके हैं, अब नए छेद चाहिए। अपने आज बताओ आमिर खान की बेटी का कौन सा छेद? मैं कह रही हूँ अपने सारे छेद चुके हैं, नए छेद की तलाश है। मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए ये इधर उधर मुंह मारते हैं। दीने इस्लाम जी आप स्ट्रीम में जुड़िए, अगर कुछ बात करनी है तो स्ट्रीम में जुड़िए। गरिमा जी आप तैयार हैं? एक एक करके लें कैंडिडेट्स को ना, नीतू जी को तो मैंने ऐड कर लिया, फिर कन्हैया लाल जी, मतलब कोई और आंसर ना कर दे इनके टर्न पे, बस ये। हाँ हाँ गरिमा जी, जी जी तैयार हैं आप? जी जी जी, गरिमा जी आप अपना थोड़ा आपका माइक टेस्ट कर लें, थोड़ा कुछ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही मैडम? हेलो जी, आ रही जी, जी आ रही है। मतलब हाँ, नाम तो हम किसी लड़की को एक्सपेक्ट कर रहे थे, नाम तो अलग ही निकल के आई है, लेकिन आपका स्वागत है बहुत बहुत। बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है मैडम, क्या करें, कोई बात नहीं सर, खुशी हुई आप जुड़े, बस तैयार है क्वेश्चन के लिए। मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं स्ट्रीम में देखते रहता हूँ, बस हाँ। जुड़ा फर्स्ट टाइम पे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्वेश्चन का वेट कर रहा था मैं, क्वेश्चन का है जी, अभी क्वेश्चन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हाजिर है। जी दीन की गरिमा जी, एक मिनट, प्रश्न मुझे पढ़ने दीजिए। दीन की रोशनी में अगला प्रश्न है मैम, पहला शब्द बता दीजिए मुझे। कुरान, कुरान, ये कुरान कहता है कि कुरान कहता है कि रुकिए, सबको सुनने दीजिए, सबको सुनने दीजिए, सबको सुनने दीजिए, रुकिए एक मिनट। कुरान कहता है कि डैश गिर सकता है और उसके टुकड़े गिरते हैं जिससे डैश कहते हैं। ऑप्शन है आकाश ओले, बी आकाश बादल, सी पेड़ खजूर, डी
पेड़ और अंगूर, पेड़ अंगूर जी। अब आप अपना ऑप्शन चुनिए। बोलिए सर। जैसे बोले कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो आप कौन सा ऑप्शन पिक कर रहे हैं? आंसर ए। ओके ओके, तो ए को अल्लाह ताला लगा दीजिए प्रीति जी। ओले जी जी, आकाश गिरता है मतलब इन इन द फॉर्म ऑफ ओले जो भी है। मैम पर्दा बड़ा लेट खोलता है आपका, क्या चक्कर है? Yeah, सही है। स्लो है थोड़ा। ठाकुर अगर वो जीनी को प्रॉब्लम हो हिंदी पढ़ने में तो आप पढ़ दें। हाँ ठाकुर आप पढ़ दीजिए प्लीज प्रमाण। अरे मैं पढ़ लेता हूँ जी, जी सर आप पढ़ दीजिए। जी सर। नहीं नहीं, क्या तूने उस पर भी नजर न डाली? रुकिए वो ठाकुर जी पढ़ लेते हैं, रुकिए ना ठाकुर जी। मैं आप पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, रुको रुको एक मिनट। वो क्योंकि गरिमा जी बहुत तेजी से पढ़ते हैं ना, तो ये सबको सुनना होता है। क्या तूने उस पर भी नजर ना डाली जो कुछ रुए जमीन में है, सबको खुदा ही ने तुम्हारे काबू में कर दिया है, और कश्ती को भी जो उसके हुक्म से दरिया में चलती है, और वही जो आसमान को रोके हुए है कि जमीन पर ना गिर पड़े, मगर जब उसका हुक्म होता है तो गिर पड़ेगा। इसमें शक नहीं कि खुदा लोगों पर बड़ा मेहरबान व रहमत रहम वाला है, और अगर ये लोग आसमान से कोई अजब टुकड़ा गिरते हुए देखे तो बोल उठेंगे तो दलदार बादल हैं। कुरान 52:44 से है और ऊपर वाला 22:65। तो इनका आंसर था कि आकाश, इन्होंने तो आंसर दिया है ए, बट हाँ आंसर में क्या सेकंड वाला राइट है? आप क्या हाँ, कहते हैं प्रीति जी? हाँ बी जी, बी वाला है। अच्छा आकाश तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर दिया देवव्रता छतराज जी ने, और भी और किसने बोला, आई एम द मैन जी ने करेक्ट आंसर दिया है, और कौन है, बीजे जी, अरे बीजे जी सभी उत्तर सही बोल रहे हैं। बीजे जी ऊपर आइए स्ट्रीम में। हाँ। कौन बनेगा करोड़पति तो सीरीज के आप ही बनेंगे। हाँ तो बाकी सब लोगों ने दूसरा आंसर दिया है, next time I think they'll get it right. तो गरिमा जी आपका आंसर रॉन्ग हो गया है बहुत, पर आप बहुत करीब थे। वेरी क्लोज, आधा पार्ट तो राइट था ना आकाश वाला। हाँ चलिए थैंक यू। 50-50। नीतू जी है या कन्हैया लाल सोनी जी है? एक्सेक्युलर जी, उसके बाद कन्हैया लाल जी, फिर नीतू जी। अच्छा मुझे लगा एक्सेक्युलर का हो चुका है, लेकिन मेरा हो चुका है मैम एक क्वेश्चन शायद। हाँ तो फिर आप छोड़ दीजिए, कल एक ही एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। अच्छा अच्छा जी, जी। एक पार्टिसिपेंट से फिर जुड़िएगा। थैंक यू मैम जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब तो नेक्स्ट ये है मैम कन्हैया लाल जी। जी कन्हैया लाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार जीनी जी, नमस्कार भारती जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। देखो आकाश है और बादल उसमें से गिर पड़ रहे हैं, बादल जो है ना वो आकाश के टुकड़े हैं जो गिरते हैं। मतलब हाँ। क्या बात है, उनको बादल के टुकड़े, बादल जो है वो आकाश के टुकड़े नजर आ रहे हैं। आकाश के टुकड़े हो के गिर रहे हैं नीचे। लेकिन मैडम बादल तो गिरते ही नहीं है ना, वो तो बरसते। मैंने तो आज तक नहीं बादल गिरते हुए देखे। बादल अगर आप पहाड़ों में जाते तो आपके बीच में से निकल के जरूर जाते हैं, बट ऐसे गिरते थोड़ी जाते हैं मैम। बादल गिरते नहीं है, बादल तो बरसते हैं।
मैम लोग अगला क्वेश्चन का डिमांड कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीतू जी ड्रॉप अभी लगता है। ओ जी दिन की रोशनी में अगला प्रश्न आपके लिए। जब मोहम्मद के घर की गुलाम ने व्यभिचार किया तो मोहम्मद ने उसको क्या सजा सुनाई? आपके लिए ऑप्शंस हैं, उसे तब तक मारो जब तक खून ना निकले और फिर बस। बी, उसे तब तक मारो जब तक खून ना निकले और फिर खून रुकने पर फिर मारो। ऑप्शन सी, उसे खूब मारो उसका खून ना निकले पर उसका खून ना निकले। डी, उसे मारो मत बस चेतावनी दे दो। जी देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट तो इनके हरकतों से तो बी लगता है मेरे। तो बी को अल्लाह ताला लगा दें? अल्लाह ताला क्या, इनके तो ताले ताले लगा दो आप बी के। जी मैं प्रमाण पत्र देती हूँ, अबू दाऊद 384458। Narrated Ali ibn Abu Talib, a slave girl belonging to the house of the apostle of Allah committed fornication. He, the Prophet said, rush up Ali and inflict the prescribed punishment on her. I then hurried up and saw that blood was flowing from her and did not stop. So I came to him and he said, have you finished inflicting punishment on her? I said, I went to her while her blood was flowing. He said, leave her alone till her bleeding stops. Then inflict the prescribed punishment on her. And inflict the prescribed punishment on those whom your right hands possess, i.e. slaves. A slave girl is ordered by Muhammad to be beaten until she bleeds and then beaten again after the bleeding stops. He indicates that this is prescribed treatment for slaves. Those whom your right hand possesses. अच्छा आपका जो अभी को सही है। देखिए ये बोल रहा है अभी वो ब्लीड कर रही है उसको मत मार, जब उसके शरीर में अच्छा सा खून रहेगा तब मार ताकि ब्लीड हो और ज्यादा। मतलब ये क्या कह रहा है कि पहले उसको मारो जब तक मारो उसका खून ना निकले, फिर तो खून निकल जब खून निकल आए तो छोड़ दो मारना और जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो फिर से मारो। हाँ तो हर बार ब्लीड होना चाहिए। हाँ तो इसका करेक्ट आंसर था बी, जो कि इनका आंसर था बी करेक्ट आंसर। उसके लिए क्लैपिंग। बी आंसर। अरे वाह बहुत अच्छे सर। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने भी करेक्ट आंसर दिया। लॉर्ड दज्जाल आई थिंक नए हैं ये सब, उन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया। और किसने करेक्ट आंसर दिया मैं देख रही हूँ। इससे बढ़िया करुणा और दया का प्रमाण मोहम्मद का हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया सब मोमिन भाई कृपया देखें और मेरी बहनें भी जितनी मोमिना हैं वो भी देखें। Learn with Anurag, option B. Next, secular जी ने भी ऐसा ही आंसर दिया, पर प्लीज आप नीचे से दीजिए, आपका चांस हो चुका है, तो पैनल में पीछे मत बैठिए क्योंकि ये लोग फिर एंटर नहीं हो पाते हैं, नए नए लोग तो पैनल ब्लॉक हो जाता है। तो जो उनके आंसर पटना वाला जी का भी अगर हो चुका है तो वो भी नीचे से देखें। नहीं वो म्यूट पे थे मैम आई थिंक पटना वाला जी, तो मैं ऐड कर देती हूँ उनको और एक बार। He didn't want to answer. उनका जब चांस आया था उन्होंने बोला क्या? मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया था बता नहीं पाया।
नहीं मैम, आई थिंक सर्कमस्टेंसेस वाज सच दैट ही कुडंट आंसर. तो ठीक है, कन्हैया जी ने आंसर दे दिया. पटना वाला जी, अभी आप आंसर दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है, हाँ आ रही है. चलिए कन्हैया, भी आ रही है पीछे से, आपकी और भी बहुत से लोगों की आ रही है. जी बिल्कुल, मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूँ. इनका आंसर गलत हो गया क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत रह गई है. जी चलिए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छी बात है, मतलब इस क्वेश्चन पे हमने डिस्कस नहीं किया कि इतना, पर आप इसे आप इस्लाम को अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे, इस दीन की रोशनी का प्रकाश अच्छे से महसूस नहीं कर पाएंगे. अच्छा अब एक बात बताइए भारती जी, कि यहाँ पर सारे कई मुस्लिम बोलते हैं देखो हमारे जब स्लेवरी क्यों नहीं स्टॉप करी प्रॉफिट ने, तो उस पर आंसर करते हैं कि अरे ये तो अरब में चलन ही था स्लेवरी का. पर यहाँ तो मोहम्मद उनको बोल रहा है खुद कि तुम इनको इतना मारो मतलब खून निकले, फिर जब खून निकलने लगे तो रुक जाओ, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो फिर मारो. तो यहाँ पर ये तो उसको किसी ने नहीं कहा ना, तो वो क्यों कह रहा है ये सब, अगर स्लेवरी तब थी और ये उसी में बहती गंगा में हाथ भी धोना चाहता था, तो यहाँ तो ये अपने मुंह से कह रहा है उनको मारने की बात. मैं तो इसके जवाब में इतनी बात बोलना चाहती हूँ मैम, कि उस टाइम वहां पे मूर्ति पूजा भी थी, तो मूर्ति पूजा क्यों बंद कर दी, स्लेवरी अपना के रख ली क्योंकि उसमें फायदा है, मूर्ति पूजा बंद कर दी, 360 मूर्तियां तोड़ दी काबा की जाके, ये तो मूर्ति पूजा क्यों बंद की. हाँ मूर्ति पूजा इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अगर मूर्ति का पूजा करेंगे इनको गिफ्ट कौन लेके आके देगा, इनको गिफ्ट मिलना पैसे मिलना बंद हो जाएंगे ना. दूसरों की वो मूर्ति पूजा के लोग जो थे ना भारती जी, वो बड़े आदर्शवादी थे, वो लोगों के चोरी चकारी और लूट मारी नहीं करते थे. ये था डाकू, ये डाकुओं का सरदार था मोहम्मद, तो ये लोगों के साथ लोगों को लूटता था, उनके माल जो है लूटता था, उनकी विमेन को लूटता था, तो ये सब बंद नहीं हो जाता. मूर्ति पूजक तो बहुत आइडियल लोग थे, वो तो आदर्शवादी थे, चरित्र वाले लोग थे. इसके तभी तो ये 25 वर्ष तक ऐसा रहा क्योंकि मूर्ति पूजकों के घर में जन्मा था. बात तो ये है मैम कि वहां पे ये लोग जो आर्गुमेंट देते हैं उनके आर्गुमेंट के काउंटर में बोल रही हूँ ना, कि वो बोल रहे हैं कि स्लेवरी वहां पे पहले से चल रही थी, तो पहले से तो वहां मूर्ति पूजा भी चल रही थी, उसको भी तो रोका ना मोहम्मद ने, तो स्लेवरी क्यों नहीं रोकी. हाँ वो तो हम कहते हैं शराब रोकी तो वो क्यों नहीं रोका. हाँ वही तो मैम, इनका क्वेश्चन नहीं आया ना अभी, पटना वाला जी का लेते हैं. जी जी मैम, अगला क्वेश्चन ले लीजिए. जीनी जी जो पीछे भी बैठे हैं बैक में, अभी उनको मत लेना, वो फर्स्ट टाइम आए. हाँ 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 सोलो में. हाँ जो मेरा माइक म्यूट हो गया. जो शख्स किसी मोमिन को धोखे से भी मार डाले तो डैश ऑप्शंस हैं, वो अल्लाह से माफी मांग ले, बी उस पर कोड़े खाना लाजिम है, सी वो 3 दिन का रोजा रख ले, डी उस पर एक ईमानदार गुलाम का आजाद करना लाजिम है. जी जी इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ए. चलिए देखते हैं. Thank you.
जी एक इसका प्रमाण मैं पढूं? इसका प्रमाण या तो आप ठाकुर से पढ़वा लीजिए या दीक्षित जी से। दीक्षित जी आप पढ़ दीजिए। कुरान 9.92 4 point। दीक्षित जी नहीं है, वो ठाकुर पढ़ देगा। ठाकुर आप पढ़ दो फिर। जी मैम, कुरान 0.92, और किसी ईमानदार को ये जायज नहीं कि किसी मोमिन को जान से मार डाले, मगर धोखे से कत्ल किया हो तो दूसरी बात है, और जो शख्स किसी मोमिन को धोखे से भी मार डाले तो उस पर एक ईमानदार गुलाम का आजाद करना और मक्तूल के कारबदार, मम्मी लिखा है मम्मी ओ की मात्रा है, हाँ कारबदारों, हाँ अरे वो मैम साथ में मिल गई थी ना इसलिए, हाँ कारबदारों को खून बहा देना जालिम है, लाजिम है, मगर जब वो लोग माफ करे फिर अगर मक्तूल उन लोगों में से हो वो जो तुम्हारे दुश्मन काफिर हरबी हैं और खुद कातिल मोमिन है, तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना, और अगर मक्तूल उन काफिर लोगों में का हो जिससे तुमसे एहद वो पैमान हो चुका है, तो कातिल पर वारिसे मक्तूल को खून बहा देना और एक बंदे मोमिन का आजाद करना वाजिब है। फिर जो शख्स गुलाम आजाद करने को ना पाए तो उसका कुफारा खुदा की तरफ से, कुफारा जी मैम, कुफारा खुदा की तरफ से लगातार 2 महीने के रोजे हैं, और खुदा खूब वाकिफकार और हिकमत वाला है। 92 मैम। तो मतलब गुलाम को आजाद कर देना, ये था इसका सही आंसर। जी मैम। मैम मुझे लगा ना कि यह किसी मोमिन नॉन मोमिन को मारने की बात की जा रही है, तो नहीं क्वेश्चन कोई गलत समझ, अगर मोमिन को ही मेरे तो एक ईमानदार गुलाम का आजाद करना लाजिम है। मेरे दिमाग में था कि मोमिन को मारते नहीं है, उन्हीं को मारते हैं और माफी मांग लेते हैं सारे इनके कर्म, कोई बात नहीं, इसलिए तो इनके ऊपर एक छोटा, आपने बाकी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए हैं तो इट्स ओके। मैंने इनके ऊपर एक ऐड बनाया है पाउडर बेचने के लिए, वॉशिंग पाउडर कलमा, वॉशिंग पाउडर कर्मा, नीच नीच से नीच कर्मों को मिटाए, काफिरों को मार के जन्नत में जाए, वॉशिंग पाउडर कलमा, वॉशिंग पाउडर कलमा। बढ़िया, वेरी गुड मैम। नेक्स्ट जो कॉलर जुड़े हैं ना उनको थोड़ा सोलो में लेते हैं, मुझे नहीं पता कि मोमिन है कि क्या है, आप सोलो में जाइए। जय श्री राम। कविता बहुत सुपर थी, आपका जो स्लोगन है वो सुपर था, आप फिर जुड़िएगा बाद में, धन्यवाद। सुपर से भी ऊपर। हाँ हाँ, थैंक यू पर्नावाला जी, थैंक यू। चलिए मैम आप सोलो आउट में आइए, मैं इनको ऐड करती हूँ जी। बबली जी आप कुछ बोलें, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम हैं, बबली जी आप अनम्यूट होकर बोलें, अगर आप अनम्यूट नहीं होंगे तो हमें आपको यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है मैं इनको निकाल देती हूँ, इनको एक सेकंड और दीजिए, मतलब ओके। हाँ ओके जी, बबली जी आप जो है ना अनम्यूट होकर बोलें, आपका माइक निकल गया है, नेटवर्क इशू होगा। एक्सक्यूज मी जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है तहमीना जी और सब, प्लीज दूसरे चैनल्स के बारे में यहाँ ना लिखा करें। गरिमा जोशी तो हो चुके थे ना? हाँ हो गया मैम। हाँ प्लीज और लोग हमें चाहिए कैंडिडेट्स। हाँ बिल्कुल, आपका अगर हलाला स्पेशलिस्ट जी अगर आपका गेस्ट फेल हो रहा है तो मतलब आपका अभी
अभी आप उतनी गंदगी के लेवल तक पहुंचे नहीं है जी। प्लीज ऊपर आइए नेक्स्ट। अभी भी आप उन लोगों को प्रॉपरली जज कर पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। ऊपर ऋतिक सनातनी जी, कौन है बोबी भाती, देवव्रत जी, सरस्वती जी, सब लोग जुड़िए प्लीज स्ट्रीम में। रोनम जर्नलिज्म जी, आप आइए ऊपर, ऊपर आके जो है क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरे वो मिस्टर एक्स है मैम, कुछ भी बोलेंगे ठीक है, ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए जीनी को पार्टिसिपेंट बनाते हैं। है? नहीं नहीं थैंक यू। मुखबीर जी जुड़े हैं आई थिंक, वो ये हैं मोमिन है। हाँ मैम तो सही कह रहे हैं आप, जीनी से एक सवाल पूछा जाए मैम। बिल्कुल ठाकुर सही बात है ना जी, बिल्कुल मैं, बिल्कुल। अरे क्यों इतने सारे नए नए सब्सक्राइबर्स हैं उनसे पूछे। लर्न विद अनुराग जी प्लीज जॉइन द स्ट्रीम। गौतम सिंह जी आप भी, बोंगो बासी, आई एम द मैन, मनीष मिश्रा, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। अरे शाह पनफड़ नबी जी प्लीज जॉइन। हलाला स्पेशलिस्ट आप भी आ जाइए, यहाँ पे आके हलाला जीनी जी उनको ऐड कर लीजिए, हंसराज जी को उनसे। हाँ, अच्छा। जी हंसराज जी आपका स्वागत है, आपको क्वेश्चन। आपका बहुत बहुत स्वागत हंसराज जी, बहुत दिन बाद आपको देखा है। नमस्कार जी सभी को, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, इंकलाब जिंदाबाद भाई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ऋतिक जी ज्वाइन कीजिए। सुनिए हलाला स्पेशलिस्ट जी, आपको सवाल नहीं पढ़ने हैं, सवाल तो भारती जी पढ़ेंगी, आपको तो खाली ऑप्शन बताना है बस, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हंसराज जी आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। ओके जी, दिन की रोशनी में अगला सवाल आपके लिए हंसराज जी। पहला शब्द मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह। ओके, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं जहन्नुम को डैश और डैश से भर दूंगा। ऑप्शंस हैं जिन्नात आदमियों, बी फरिश्तों औरतों, सी जिन्नात फरिश्तों, डी काफिरों फरिश्तों। जहन्नुम को डैश और डैश से भर दूंगा। बी सवाल तो ढंग से पढ़ लेते। बी को अल्लाह ताला लगाइए मैम। बी बोला या डी? बी बोला है। बी बी फरिश्ते और औरतें। ठाकुर पढ़ रहा है क्या? मैम आप पढ़िए मैम, कुरान कुछ देना चाहिए। कुरान 32:13, और अब तो हमको कयामत का पे पूरा पूरा यकीन है, और खुदा फरमाएगा कि अगर हम चाहते तो दुनिया ही में हर शख्स को मजबूर करके राहे रास्ते पर ले आते, मगर मेरी तरफ से रोजे अजा ये बात करार पा चुकी है कि मैं जहन्नुम और जिन्नात और आदमियों से भर दूंगा। 13:32 हंसराज जी आपकी 72 हुरे कैंसल, बिल्कुल कैंसल। जहन्नुम और आदमियों से भर दूंगा, जिन्नात और आदमियों से। तो करेक्ट आंसर क्या था? और आदमी मैम, फिर औरतें कहां जाएंगी? फिर ये है जिन्नात, ए है आंसर करेक्ट। ए है अच्छा
देखो किन आई एम द मैन। अरे ऋतिक आपको सब आंसर पता है यार, आप बोल रहे हो नहीं पता। कन्हैया लाल जी ने करेक्ट आंसर दिया, ऋतिक ने करेक्ट आंसर दिया, और भी कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि स्ट्रीम में कैसे जुड़े। मैम ने कमेंट पिन कर दिया, लिंक कमेंट में पिंड कमेंट में है, तो उस लिंक ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिए, आप बैक स्टेज में जुड़ जाएंगे। कपल ऑफ देम आस्किंग कैसे जुड़े स्ट्रीम में, तो वो प्लीज पिंड कमेंट में जो लिंक है उसको क्लिक करें, आप जुड़ जाएंगे स्ट्रीम में जी। अरे भारती मैम नहीं मिला तो मैंने एक बार फिर दे दिया लिंक नीचे। हाँ। जी अपना नाराज होके चले गए क्योंकि उनको 72 हुरे नहीं मिलेंगी ना, उसकी ख्वाहिश में आए थे, अब क्या करें बेचारे, हम भी नहीं कर सकते। ओहो, हार्ट ब्रेक हो गया उनका। हंसराज जी को 72 हुरे नहीं चाहिए। हाँ क्या मैम फिर उनको एक ही हुर चाहिए उनको। हंसराज जी हाँ, हंसराज जी पत्नी व्रता है। एक्सक्यूज मी बहुत कॉफ हो रहा है। कपिल जी जुड़े हैं, कपिल जंगलवा जी, इससे पहले कोई और जुड़े थे। आप कपिल जी क्या ये आपने खुद की फोटो लगाई हुई है यहाँ पे डीपी में अपनी? ये फेक है ऐसे कर लो, फेक है। हाँ फेक किया, इसकी जगह कोई और डीपी चेंज कर दीजिए ताकि आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो। ये जो फेक आईडी आपने लगाई है उस व्यक्ति को भी खतरा ना हो, ऐसा कुछ कर दीजिए जी। पेपर हार्ड है, मोमिन भी फेल होते हैं। वाह। नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स पास ही हो रहे हैं। आप हमारे पास पहली बार आए हैं हमारी स्ट्रीम पे, आपको हमारी स्ट्रीम के बारे में कैसे पता चला कपिल जी? आप शायद भूल गए हैं, मैं पहले भी जुड़ चुका हूँ आपसे। अच्छा, मैं भूल जाती हूँ, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रह गई है जी। आपका स्वागत है, आप नहीं, तो उम्र का तकाजा है। हाँ उम्र का तकाजा है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ बुढ़िया। चलिए आगे चलते। आपको आप क्वेश्चन के लिए रेडी है? यस। ओके जी जी जी, अगला क्वेश्चन डाली। जी दीन की रोशनी में अगला सवाल आपके लिए। शैतान आदमी पर किस तरह सवार होता है? ऑप्शन ए, शैतान आदमी के सिर में घुस जाता है। बी, शैतान आदमी में खून की तरह बहने लगता है। सी, शैतान आदमी के पिछवाड़े में घुस जाता है। डी, शैतान आदमी की पेट में बैठ जाता है। जी अपना ऑप्शन पिक कीजिए। बी, अच्छा बी को अल्लाह ताला लगा दे। शैतान आदमी में खून की तरह बहने लगता है, बहने है लगता है। अरे आई थिंक इट्स राइट। हाँ ब्लड दिखाई दे रहा है। चलिए मैं प्रमाण पढ़ देती हूँ। अनस बी मलिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एज सेइंग द डेविल फ्लोज इन अ मैन लाइक हिज ब्लड। अरे सही अल अल्बानी, सुनान अबी दाऊद 4719, बुक 42 हदीस 124, बुक 41 हदीस 4701। अरे बिल्कुल सही जवाब, वाओ। बधाई हो सर आपको, 72 हुरे का पैकेज मिल चुका है आपको, जाइए आराम से।
अब आंसर बी था ना, दीन की। हाँ बिल्कुल जी जी। तो शैतान जो है ना खून की तरह से बहता है आदमी के अंदर, मतलब शैतान लिक्विड प्रॉपर्टीज लेता है। हाँ तो फिर यहाँ पे तो 71% जगह में तो शैतान हो गया, अल्लाह तो सारा 29% पे ही सिमट गया मैम। हाँ वो तो है, तब शैतान इस तरह से रगों रगों में घूम रहा है, मतलब क्या करें। नहीं वो ब्लड में सीरम भी होता है ना मैम, इट्स लिक्विड बट इट्स नॉट वाटर। प्लाज्मा हाँ, भी होता है ना। हाँ इनके खून में तो अल्लाह ही है, इनके खून में तो अल्लाह ही है, तो अल्लाह ही है शैतान क्या। जोनम जी गुड थिंकिंग, तहमीना ने सही जवाब दिया है, शैतान इज सॉल्युबल इन वाटर। हाँ अच्छा कपिल जी आपको ये जवाब कहाँ से मिला, मतलब आपने इतना सही कैसे दे दिया जवाब। ये जवाब मैं बहुत सोच समझ के ही दिया है। अच्छा आपने तुक्का मारा था। नहीं नहीं तुक्का नहीं मारा था, क्योंकि मैं पढ़ भी चुका हूँ कि शैतान जो है वो खून की तरह ही घुस जाता है आदमी के शरीर में और दौड़ने लगता है। जो शैतान जो करता रहता है। हमें कमेंट पड़ी है मैम। I heard some people cross their legs while sitting because शैतान will enter through private। हाँ यही है, private parts में तो यही लोग enter करते हैं। पिछवाड़े से मैम, पिछवाड़े से। ये क्या obsession है इस, oh god। इनका obsession देखो, मतलब ये कहते हैं कि हम अगर किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं और हमको बड़ी ललक मतलब तलब हो रही है इसकी, तो मतलब वहां पर भी हमें निकाह मुता करने को मिल जाए, मतलब कि ये इसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। It's all about that। हाँ मतलब कि ये कितने गिरे हुए निकृष्ट हैं। ऐसा कौन सोचता है हर वक्त काम वासना के बारे में। अच्छा दो चैप्टर्स डेडिकेटेड है जिन्नात पे, तहमीना बोल रही हैं। नहीं नहीं डू अ चैप्टर ऑन जिन्नात। अच्छा अच्छा डू अ चैप्टर, अच्छा वो चैप्टर्स थे तो मैंने सोचा वो दो है। अच्छा ठीक है ऑलराइट। चलिए थैंक यू पार्टिसिपेशन के लिए कपिल जी, फिर से जुड़िएगा बाद में। नेक्स्ट पर्सन को मैं सोलो लेती हूँ, असैसिन मुझे नहीं पता कि ये पहले आ चुके हैं कि नहीं। जी आप पैनल छोड़ दें कपिल जी अभी के लिए, असैसिन जी को ऐड कर लो। जी नहीं जी असैसिन आप हिंदू है मुस्लिम है एक्स मुस्लिम है। जी सनातनी हो। जी आप रेडी हैं के लिए। एक्चुअली मैं पहली बार स्ट्रीम में जुड़ा हूं, अभी आईडिया नहीं, इसलिए बैकस्टेज देने दे क्या चल रहा है पता नहीं। नहीं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें से एक आंसर सही आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो इससे आपकी इस्लामी ज्ञान का परीक्षण हो जाएगा। आपने केबीसी देखा है सर, कौन बनेगा करोड़पति, सिमिलर है। जी जी चलिए ये आजान भी हो सकता है, आधान भी कई लोग कहते हैं। जब लिखा है पहला वर्ड, जब उसके अगला भी बोलिए, दो शब्द गायब हैं अभी। जब भी जी 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 ठीक है। दीन की रोशनी में अगला प्रश्न, जब भी आजान होती है तो डैश ऑप्शन है शैतान आता नहीं, जिब्रील आ जाता है, सी पेशाब निकल जाता है, डी शैतान
बात मारता हुआ भागता है। जिब्रिल, जिब्रिल क्या होता है वैसे? ये फरिश्ता एंजल गैब्रियल। तो जब ये आजान देते हैं तो क्या होता है, क्या शैतान निकल या जिब्रील आ जाता है या इनकी पेशाब निकल जाती है या शैतान जो है वो फाट करता हुआ भागता है? ए होना चाहिए शायद, शैतान आता नहीं है। चलिए मेरे दोस्त बोलता है। जी आप म्यूट कर लीजिएगा जब जीनी पढ़ लेगी पूरा। जी जी चैप्टर नंबर प्रमाण पढ़ देती हूँ। चैप्टर नंबर 4 सुपीरियरिटी ऑफ द अधान। Narrated Abu Huraira, Allah's messenger said, when the Adhan is pronounced, Satan takes to his heels and passes wind with noise during his flight in order not to hear the Adhan. When the Adhan is completed, he comes back and again takes to his heels when the Ikama is pronounced, and after its completion, he returns again till he whispers into the heart of the person to divert his attention from his prayer and makes him remember things which he does not recall to his mind before the prayer, and that causes him to forget how much he has prayed. Reference Sahih al-Bukhari 608, Book 10, Hadith 6, Volume 1, Book 11, Hadith 582. Ji, ma'am. तो करेक्ट ऑप्शन था डी, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बाय आवाज करते हुए, मतलब पाग मारता है आवाज करते हुए। सर आप जैसे एक मिसाइल छोड़ती है ना पीछे से पूरा धमाका करते हुए, और वो भी तीन तीन बार जाता है फिर वापस आ जाता है फिर वापस आता है तीन बार, है ना सर? आपकी बदतर हो रही कैंसिल हो गई सर, सॉरी सर। क्लीन आंसर दिया, सिर्फ भागता है पर वो नैस्टी चीजें कर करके भागता है बस। नहीं एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त है जो मोमिन है, वो बताते हैं जब भी अजान होती है तो टीवी बंद कर देते हैं या जिसमें से भी शोर बात करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि आवाज आना चाहिए घर के कोने कोने तक, तो शैतान चले जाता है, बुरी बुरी चीजें से चली जाती है। नहीं, अब आप उनको बताना कि वो ऐसे ही नहीं जाता है, वो पार करके आवाज करता है और फिर जाता है। हाँ, और उसका रीजन भी बोलिए। हाँ, पार इसलिए मारता है ताकि उसको सुनाई ना दे। अरे मैम वो ईयर प्लग्स नहीं यूज करता शैतान, सब कुछ पिछवाड़े से ही होना है इसको, शैतान को भी वो नेचुरल है। वो कुछ कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए। असिस्टेंट जी कुछ नेचुरल साउंड, असिस्टेंट जी कुछ कह रहे हैं उनकी बात। 5 बार दिन में भगाना पड़ता है। हाँ, हाँ बोलिए असिस्टेंट जी। इकमा पढ़ते हैं तो दोबारा आता है फिर भागता है और इसके बाद फिर एक बार तीसरी बार आता है, फिर वो धीरे से ना वो क्या बोलते हैं कानाफूसी करके तुम्हारे दिमाग में भ्रम भुला देता है तुम्हें, जो तुमने कितनी बार नमाज पढ़ ली और वो और दूसरी बातों में तुम्हारा टेंशन डाइवर्ट कर देता है। जब स्टार्टिंग में अजान के लिए जब लाउडस्पीकर का यूज होना चालू हुआ था इंडिया में, जब देखना कितने मौलवियों का फतवा आए थे, एक शब्द यूज होता था विदत, विदत बोलते हैं कि ये विदत है, तो फिर उनको बाद में पता चला इससे तो हम हिंदुओं की नाक में दम कर सकते हैं, तो सभी ने अब मस्जिदों में जाए बता दिया। आप अपने मोमिन दोस्तों को लेकर आओ यहाँ पे कभी। एक्चुअली एक बार एफआईआर हो चुकी मेरे ऊपर। अरे उनसे डिबेट ना करें सर, छोड़ दीजिए। नहीं डिबेट वगैरह नहीं करी थी कुछ। हाँ। पर्सनल मैटर था उसको, उन्होंने अलग ही उछाल दिया। उनका कुछ ग्रुप था जिसके कई इज्तेमा या इज्तेमा नहीं बोलते, उनकी कुछ मीटिंग होती है धार्मिक मुस्लिमों की, तो उसके रिलेटेड डिटेल डालते थे, तो उसने मेरा नाम मतलब उसने ग्रुप में डाल दिया, तो मुझे चाकू वगैरह भी मार दिया था, मतलब बहुत विवाद हुआ था उस टाइम।
अरे सर सीधा गोली मारी है ना, छुआड़े पे सीधा गोली मारनी बिना पूछे, समझे आप बात, छोड़ूंगा नहीं है, सीधा पिछवाड़े पे पड़नी चाहिए। मैं सेल्फ डिफेंस। जी जीनी जी जो प्राइवेट चैट में भी सही आंसर दे रहे हैं वो भी पढ़ दीजिए उनका। प्राइवेट चैट कैल चेक जी, अभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऋतिक सनातनी जी ने डी बोला था, मुकेश पारी डी, डी वाज करेक्ट आंसर आई गेस। हां ऋतिक सनातनी ने डी बोला। आरती जी एक बात बताइए, अगर आजान पढ़ेंगे तो कितना सारा शैतान आ जाएंगे, मतलब हर कोई पढ़ेगा तो उतनी बार शैतान इतने में मल्टीप्लाई होके आएगा ना, मतलब अगर सारे लोग आजान अलग अलग पढ़ेंगे तो इतने सारे शैतान आएंगे तो कितनी सारी बदबू हो जाएगी। सही बात है, नास्टी। इसका मतलब जब भी आजान पढ़ी जाती है तो वहां बदबू भी आती है, तभी तो इत्र लगाया जाता है। अच्छा तो लॉजिकल डिडक्शन है ना ये। नहीं, इत्र का भी वो लॉजिक देते हैं कि सुन्नत तभी है जब गुलाब का इत्र लगाएंगे, तो गुलाब का इत्र जो है गुलाब तब बना है जो रसूल अल्लाह का पसीना जमीन पे टपका था तो गुलाब बना। अरे अशेषन भाई, मेरी आपसे सारे करते थे, मोहम्मद तो बाद में पैदा हुआ है भैया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली स्ट्रीम पे आइए भैया, छुड़िए आप डेली स्ट्रीम पे आके। हाँ प्लीज। वैसे मेरे को ना इस वाली इससे इतना पता चल गया कि जहाँ भी अजान होती है वहाँ बदबू फैली होती है, ये तो लॉजिकल डिडक्शन है। जी एसएसएन जी बोलिए। रसूल अल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इस तरह कुछ बता रहे थे, फिर मैंने पता किया कहीं से कि पूरी बात नहीं बता रहे। पूरी बात क्या है कि अबू तालिब थे ना शायद उनके चाचा मोहम्मद साहब के, तो अबू तालिब ने उनको साथ में सोए थे, वो उनके स्तन वगैरह जो भी ब्रेस्ट वगैरह टच कर रहे थे जब वो छोटे थे, मोहम्मद साहब छोटे थे तब, तो जब वहां से रेफरेंस उठा है कि उनको उसके शरीर में से बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से वो भी पीडोफाइल था, उसका चाचा भी, मोहम्मद का चाचा भी पीडोफाइल था, तो वो वहां से रेफरेंस उठा रहे हैं कि वो अबू तालिब को उसके भतीजे बोलेंगे ना, भतीजे जो छोटा था जब शायद 5-6 साल का था, उसमें से अच्छी खुशबू आ रही, वहां से रेफरेंस उठा रहे हैं। पूरी बात नहीं बता रहे कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो बता रहे कि उसको उस जरा सी कड़ी को जोड़ के बताते हैं कि मोहम्मद साहब के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती थी, और ये गुलाब वाली कहानी जरा दी पीछे से उनको पूरा। अरे बहुत सारे मूवीज है मैम, गेम्स भी है Assassin's Creed शायद। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद जुड़ने का, नेक्स्ट पर्सन को लेते हैं ऋतिक सनातन। सर जुड़ते रहिएगा आप स्ट्रीम पे और आते रहिएगा। बिल्कुल जी सर, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके Assassin जी, कल फिर जुड़िएगा। थैंक यू। नेक्स्ट ले लेते हम। मैम ऋतिक जी को, ऋतिक जी आप तैयार हैं? हेलो जी, ऋतिक जी स्वागत है आपका। अरे वो ड्रॉप हो गए। नहीं नहीं ऋतिक जी, इनकलाब जिंदाबाद सर। इनकलाब जिंदाबाद जी। जय हिंदू राष्ट्र। आप क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? जी मैम। के मैम थोड़ा आसान होना चाहिए मुझे, 72 नहीं 500 और चाहिए। जो अरे सर मैं 5000 दिलवा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी सप्लाई है। चलिए अरे ठाकुर 500 नहीं, साथ में गिल में फ्री मिलेंगे, ठीक है, दीन की रोशनी में। मोहम्मद ने जी दीन की रोशनी में अगला प्रश्न। मोहम्मद ने डैश का मांस खाया, जब वो
इमराह की हालत में था। इमराह क्या होता है? जी ऑप्शन इमराह। ओके ओके ठीक है, जब वो हज की हालत में था तब उसने मांस खाया। ऑप्शन है ऊंट, ऊंट का, बी बंदर का, सी गधे का, डी बकरी का। बत्तरों का सवाल है सर, संभल के। सर 72 नहीं, मुझे तो 500 हूर, 4000 वर्जिन गर्ल्स, 8000 मैरिड वुमेन्स, ये सब दिलवा देंगे सर, पूरा स्टॉक है हमारे पास, आप बस आंसर दीजिए, सब स्टॉक है सर। ए, अरे ये मुझे पता है, मैं बोला ए, आपका ए जी, अरे नहीं आप सब हार गए। अरे सर आपने तो घाटे में पहुंचा दिया। अरे कोई बात नहीं सर, आप अपने भाई हैं, आपको दिलवा देंगे 10-15 करते हैं आपके। ये मैं इसको ना एक सेकंड ये करते हैं सर, आपकी बात अल्लाह से, मैं थोड़ा मैसेज पहुंचाता हूं ऊपर तक। रुके रुके प्रमाण पढ़ देते हैं, उसके बाद आप पीछे के गेट से, पीछे से गेट से बैक एंट्री करवाएंगे। भारती मैम, भारती मैम की पहुंच ऊपर तक है। ठीक है चलिए मैं प्रमाण पढ़ देती हूँ। गंदी सोच, गंदा ही सोचते हैं सर। हाँ प्रमाण है, नरेटेड अबू, मैम दिस इज प्रिटी टाइनी द फॉन्ट, अबू क्या कुबादा, आई एम नॉट एबल टू रीड दैट, कुबादा। वंस व्हाइल आई वाज सिटिंग विद द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट एट द स्टेशन ऑन द रोड टू मक्का, एंड अल्लाहस मैसेंजर वाज स्टेशनिंग अहेड ऑफ अस एंड ऑल द पीपल वर अज्यूमिंग, ma'am the font is super tiny, assuming ihram while I was not, my companion saw an onager while I was busy mending my shoes, they did not inform me of the onager but they wished that I would see it, suddenly I looked and saw the onager. Then I headed towards my horse, saddled it and rode. But I forgot to take the leash and the spear. So I said to them, my companions, give me the lash and the spear. But they said, no, by Allah, we will not help you in any way to hunt it. I got angry, demounted back. Dismounted, took it the spear and the leash, rode the horse, chased the onager and wounded it. Then I brought it when I had died. My companions started eating of its cooked meat, but they suspected that it might be unlawful to eat of its meat while they were in the state of ihram. Then I proceeded further and I kept one of its four legs with me. When we met Allah's apostle, we asked him about that. He said, have you some of the meat with you? I gave him that foreleg and he ate the meat till he stripped the bone of its flesh, although he was in a state of ihram. Reference Sahih Al Bukhari 5407, book 70, Hadith 35. जी, इन्होंने wild ass मतलब गधे को, गधे की मीट खाई थी इनके मोहम्मद साहब ने। हे भगवान। सर कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए सर, मैं करता हूँ बात ऊपर आपकी, कोई बात नहीं सर, मैं करूंगा सर, जुगाड़ करवाऊंगा आपका। सर मैंने इसीलिए इतनी ज्यादा मांगी थी, मुझे पता था अगर ज्यादा मांगूंगा तो कुछ तो मिल ही जाएगी। जी जी सर,
15 20 तो पक्का है सर, मैं लिख के देता हूँ, अभी लिख के दे रहा हूँ यार, मैं करवाऊंगा आपके। हाँ तो करेक्ट आंसर वो सी था ना मैम शायद। ओ व्हाट इज दिस, ओनाजर इज एन इरानियन बी था, एक डोंकी होता है। हां इरानियन अरब में। अच्छा तो द आंसर वाज सी इज इट। ऐसे नहीं काम चलेगा, ठाकुर ये सब नहीं चलेगा, बताओ लोग गंदा सोच नहीं पाते हैं, गंदा सोच नहीं पाते हैं, अल्लाह से डिस्काउंट मांग वो भी 72 500। अरे मित्रां दा ना चलता है, कोई बात नहीं भैया करवा देंगे जुगाड़ आपका। गधा शिया। मैम मैंने सुना था ये गोबर खाने की बोला तो मुझे लगा मांस मुट्ठा ही खाया होगा। सोचना ही तो वर्जित है, सोच जहाँ पे तुमने सोचा वहीं पे गड़बड़ हो गई, वहीं पे बत्तर हुर कैंसल। हाँ दिमाग का इस्तेमाल तो वर्जित है, ठाकुर जी ने बोला था मेरे साथ। तुम मोमिन कैसे बनोगे, तुम नहीं बन सकते मोमिन, इतना दिमाग चलाते हो। मैम मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे नहीं पता, ठाकुर जी ने बोला था कि सोच समझ के जवाब देने, मैंने सोच लिया भाई। ये तो मैंने आपके साथ, अरे ये तो मैंने अल तक किया गया ऐसे वैसे, मतलब ऐसे वैसे जवाब देता तू भाई। देखो हमारे प्रोग्राम का तो एक ही रूल है, गंदा सोचने का बस। अरे, अरे स्टॉक कम था ना मैम हमारे पास, 72 कहां से देते जी। आपको नहीं पता ठाकुर जी मोमिन इन द मेकिंग है, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना है का। अल तक क्या कर रहे थे वो आपके आपके साथ लाहौल बेला को, तो भाई जान लाहौल इनके साथ आपने लाहौल बेला को कर दिया ठाकुर जी। नहीं नहीं ठाकुर, आप ठाकुर आप कितनी भी साजिश कर लो, सबसे ऊपर वाले जन्नत में मिलेंगे आपको। अरे भैया वेलकम ब्रो वेलकम ऑलवेज। नकल मारने वाले को भी थोड़ा सा तो पता रहना चाहिए कि किसकी कॉपी से नकल मारनी है। अब नकली जो खुद ही नकल मार के पास हो रहा है उसकी कॉपी से नकल मारोगे तो ऐसे ही होगा। अरे अरे ये बोल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, कल सुबह पनवेल जाना है। आई एम द मैन जी, आप टीम टीम में आके जुड़िए। जी नरेंद्र कुमार जी स्वागत है आपका। ओके मैडम जी, आप तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? मैडम मैं हम तो पहली बार आया है, क्या पूछता है क्वेश्चन, हमको तो मालूम ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं सर, पूरे मिलेंगी आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए। जी जी ठीक है ठीक है, चमक रखी आंखों में ठीक है। पेश किया जाए मैम, पर्दा हटाया जाए जी। बहुत से लोगों ने पनवेल निकलना है मैम, जल्दी से डालो। देवव्रता जी वो यमी नहीं है, यामी है, वाई ए एम आई, लाइट इन डार्कनेस। हाँ जी दीन की रोशनी में अगला सवाल है, मेरे को लगता है पहला शब्द है हदीस, हदीस के अनुसार ठीक है मैम? जी मैम ठीक है। नवजात शिशु क्यों रोता है? ऑप्शन है क्योंकि बच्चा भूखा है, बी क्योंकि बच्चा डरा हुआ है, सी क्योंकि शैतान बच्चे को घोंपता है, पता नहीं क्या घोंपता है, डी क्योंकि बच्चा शैतान को देखता है।
जी बताइए, उत्तर आंसर दीजिए। मेरे को लगता है ये घोरों को देख के ही बौखला गए हैं। सी उत्तर मिलेगी इनको। सी को अल्लाह ताला लगा दें। ठीक है मैम, सी को अल्लाह ताला लगा दीजिए। पर्दा ना उठाओ, पर्दा छूट गया तो। बहत्तर हूरों पे खतरा आ जाएगा। एगा। जीनी जी, जी मैम, मेरा नेट थोड़ा स्लो हो गया। प्रमाण, अबू हुरैरा में रिपोर्टेड दैट ही हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह से, नो चाइल्ड इज बॉर्न बट द डेविल टचेस हिम व्हेन ही इज बॉर्न, whereupon he starts crying loudly because of having been touched by the devil, except for Maryam and her son. Abu Huraira then read, and I seek refuge with you, O Allah, for her and her offspring from Satan, the outcast. Surat Al-Imran 36, Sahih, authentic, Al-Bukhari and Muslim. Explanation. Children are poked in their sides by the devil when they are born, so they scream immediately after birth. Wah, 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 wah. Only Maryam and Isa, peace be upon both of them, did not experience that. Allah protected them at birth. For Maryam's mother prayed, and I seek refuge with you, Allah, for her and her offspring from Satan, the outcast. Surat Al-Imran 36. Allah answered her supplication and protected Maryam and her son Isa. The devil spoke. Maryam had no children other than Isa. The devil spoke is a real thing. Oho. It does not mean that the devil seeks to lead humans astray, as some Murtazites said. It is obligatory to believe in this hadith in its literal sense, as it is the chosen opinion of Al-As-Sunnah Wa al Jamaah. Ahle Sunnah. Wa al Jamaah. Whatever. हाँ, तो शैतान को और एक काम है, जाके न्यू बॉर्न चिल्ड्रन को पोक करना उनके साइड में। एक और एक टास्क है शैतान के लिए। बधाई हो आपकी, तो 72 हुरे पक्की हो गई। अरे खतरा टल गया है। अपना नारा टाइट कर लीजिए। ढीला होने वाला है वो। इसका मतलब कि आपको रहस्य पता चल गया कि छोटे बच्चे क्यों रोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ना, नहीं, भारती में बोली थी कि गंदा से गंदा सोचना है। सब आपका मैं बोला सर, अपने बस आप देखिएगा कि जब यहाँ से जाएंगे ना आप, तो नाड़े का ध्यान रखना है आपको, दो तीन चीजों का। ये सर आपको आगे 72 मिलेंगी, तो देखना पड़ेगा आपको फिर। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, देख लीजिए। ठीक है जी सर, बिल्कुल। जी, किस किसने दे दिया सही सही आंसर? कौन सा आंसर करेक्ट था मैम? सी। नीचे से भी आंसर देखो, किस किसने राइट आंसर दिया है। सी है, ब्लैश करो उसको। हाँ, विपिन बाजपाई, आई एम द मैन, गरिमा जोशी और आई एम द मैन अगेन, बीजे जी, गौतम सिंह जी और देवव्रता जी। देवव्रता जी आप आइए ऊपर, स्पेशलिस्ट जी। हाँ देवव्रता जी, आप भी आइए, हलाला स्पेशलिस्ट जी। हलाला जी, हमें बताइए आप कैसे हलाला करते हैं, हमें भी थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए सर। इत्मीनान से इंतजार में हैं हम आपके। जी चलें फिर, आगे कौन है?
ऋतिक आपका आंसर दे रहा है ठाकुर जी भाई, वो तो खुलेगा ही बिना नाड़े के, खुलने से कैसे होगा? आप ही कैसे बातें करते हैं भैया, आप तो कहीं बार बार से करेंगे क्या, रगड़ेंगे आप? अरे अरे, अरे। जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डू टेक केयर। चलिए नरेंद्र कुमार जी का हो गया ना मैम, अभी तो गोपाल जी आए हैं, उनको ऐड कर रही हूँ। जी गोपाल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैडम मैं स्ट्रीम छोड़ दूं कि बने रहूं? जी बने रहिए। नरेंद्र कुमार प्रश्न पूछिए। प्रश्न कर चुके हैं जी। जी जी गोपाल जी, प्रीति मैम अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और बाकी लोग जो नए जुड़े हैं प्लीज टीम में जुड़िएगा, और इट्स ओके इफ यू ऑल द आंसर। जी दीन की रोशनी में अगला प्रश्न आपके लिए। पहला शब्द दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कुरान कहता है। ओके, कुरान कहता है कि जन्नत में डैश महिला, नहीं जन्नत में महिलाएं डैश होंगी। ऑप्शंस हैं ए आवारा, बी वेश्याएं, सी कुवारी, डी नाजुक। कोमल। जी गोपाल जी, गोपाल जी दीजिए आंसर, 72 हुरे वेट कर रही हैं आपका, जल्दी करिए। वो ड्रॉप हो गए, एक सेकंड में ऐड कर रही हूँ फिर से। जी गोपाल जी, मैम एक और बार आप पढ़ देंगे इस क्वेश्चन? मैंने पढ़ लिया गोपाल जी, अपने आप को अनम्यूट। हाँ अपने आप को अनम्यूट। सी सी ही है इसमें। अच्छा अच्छा सी है। सी कुवारी, कुरान कहता है कि जन्नत की महिलाएं कुवारी होंगी। ओके, जन्नत में इनको लॉक कर दिया जाए। मैं प्रीति मैम इतनी भी क्या जल्दी है गोपाल जी, अल्लाह ताला लगा दें। अरे अगला क्वेश्चन देखें, पूरी खुलते खुलते तो जमाने हो जाएंगे। चलिए मैं प्रमाण पर देती हूँ। शकाक अल शकाक अल अत्रस फिर रकाक अल गोंज, क्या है ये? इमाम अल हाफिज जलाल अल दीन अल सियूती, इन्वेस्टर एंड कमेंट डॉक्टर मोहम्मद सैद अल रफाल, पेज 69। द मोस्ट हाई सेड अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द वुमेन हु आर इन जन्ना। Indeed, we would have perfectly created their mates, making them virgins. Kuro Oroban Atar Atraban, Quran 56:37. Lekin Oroban means whore or prostitute. ये क्या है? दोनों virgins भी हैं, whore भी हैं, ये क्या? मतलब क्या है correct answer? See, ये जो Arabic है, उसमें इनकी मानसिकता वही है। झूठ गोपाल जी, मुबारक हो, जाइए आपके लिए रास्ता खुल चुका है। नहीं नहीं मैंने गलत दिया, उसमें सही उत्तर वो था ग्रणित वाला, और प्रोस्टिट्यूट। अरे सर, अरे सर टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं जुगाड़ करवा दूंगा आपको, जाइए आप। नहीं नहीं जुगाड़ नहीं चाहिए। हम तो मैम जो ऋग्वेद का पढ़ती हैं आके, तो मैं उसको जरूर सुनता हूँ, और कुछ सुन पाऊँ नहीं सुन पाऊँ। जी जी बिल्कुल सर। अरे वाह, हमारे में तो उल्टा है,
कि इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ठीक है आप लोग जन जागृति कर रहे हो। सर आप बहुत अच्छे हो सर, सब तरह का ज्ञान होना बहुत अच्छे हो सर आप। ज्ञान क्या है ये तो, मतलब ये कहते हैं कुपथगामी होना है, और ये कुपथगामी होकर के सेलिब्रेट करते हैं एक, उसको रिलीजन का चेहरा दे रखा है और उसको आज पूरी संसार में थोपा भी जा रहा है। आज मोदी जी ने भी जो स्पेशल मीटिंग करी थी उसकी समापन किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि मतलब बोला नो टेरर फंडिंग वाली मीटिंग करी, तो उसमें सब मुस्लिम देश शामिल भी थे और मुस्लिम देश पर ही आक्रमण भी किया गया। टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बोल सकते हम लोग, एक जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं उस रिलीजन को सब लोग जानते हैं टेररिस्ट रिलीजन है, हम बोल नहीं सकते। एक छोटा सा अपराध करने से हम डरते हैं, और कोई 35 टुकड़े करके डाल देता है और उसको पूरा लॉ बचाने के लिए आ जाता है, पूरी एक इकोसिस्टम खड़ा हुआ है उनका अपना, वो बचाने आ जाते हैं उनको, और हम साधारण से जस्टिस के लिए भी लड़ नहीं सकते। तो ये स्थिति हो चुकी है, बहुत बुरी स्थिति है, और ये स्थिति कैसे सुधरेगी मैं तो नहीं जानता, बिल्कुल कल्पना से परे। मैं तो 20 सालों से नहीं जानता, जब से मेरे पिताजी बताते थे ऐसा होगा। तो ये शुरुआत हो चुकी है, अब सब लोगों को बॉलीवुड की चीजें भी समझ में आ रही है, और ये हम न्यूज भी डेली पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके कश्मीरी जज कहता है नेग्लिजिबल है कि भाई उसने तो कोई भी नहीं सुनी ये खबरें जो लड़कियां मर रही है इसके बारे में, इसीलिए मैंने ये खबर स्टार्ट कर दी है डेली, अब हम खबरें भी पढ़ते हैं। और OIC विदाउट पाकिस्तान की कहे फिर से कश्मीर पे 370 लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है, तो ये मतलब पाकिस्तान का प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं वही वो वहां पे जाके, वहां का थिंक टैंक है, जितने भी OIC कंट्रीज हैं, मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक के जितने भी कंट्रीज हैं, वहां पे जितने भी थिंक टैंक में लोग बैठे हैं वो सारे ही इस्लाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जाते हैं पढ़ के PhD करके, वो वहां पे उन लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और वो इनडायरेक्ट प्रेशर इंडिया पे बना रहे हैं दोबारा 370 लगाने के लिए। हाँ सही है आपकी बात, आपकी आवाज फट रही थी मैम भारती मैम, और ये जो भी हो रहा है तो इसके बीच में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें जो हमारी आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वेदों पर श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं सनातन संस्कृति में, उन लोगों का एक ऐसा स्ट्रांग ग्रुप होना चाहिए जिसमें जल्दी से कोई छेद नहीं हो सके, और वो क्रिप्टो करेंसी की तरह सिक्योर होना चाहिए, उसमें कोई हैक नहीं होना चाहिए, कोई गलत एलिमेंट घुस ना पाए, और फिर उनको काम करने के लिए एक इंडिपेंडेंट फील्ड होनी चाहिए और पूरी दुनिया में फैला होना चाहिए उनका बेस। ऐसा करके जो मैम कर रही प्रीति मैडम जो काम कर रही हैं, इसको एक्सपेंशन तभी मिल सकता है, और मेरा तो मानना है कि जो यहाँ ग्रुप में आते हैं सबके सब लोगों को मिलना चाहिए कि स्कूल में, अपने नियरेस्ट स्कूल में जाकर कुछ भी, जैसे ऋग्वेद हुआ, गीता हुआ, मैम जो भी कर रही है उसमें से कोई भी अपनी अच्छी अच्छी एक चीज सेलेक्ट कर लो और स्कूल में जाकर, मेरे बचपन में ऐसा होता था, अब नहीं होता है मैं नहीं जानता, वहां जाकर के हम लोगों को एक छोटा करेंगे, क्योंकि हमारे क्विज करनी है, और आप हम लोग सनातन इश्यूज डिस्कस करते हैं ट्यूसडे, तो आप उसमें आइए और हमारे साथ डिस्कशन करिए इस पे। हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट, धन्यवाद जुड़ने के लिए और आंसर देने के लिए। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच गोपाल जी। क्विज के बाद हम बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचार बहुत जोश वर्धक है, बहुत अच्छा लगा। आपकी जैसे थॉट प्रोसेस के लोग ही आज की डेट में भारतवर्ष को चाहिए। आप सनातन सभा में जरूर जुड़ा कीजिए, उस दिन आपसे सनातन के बारे में आपसे चर्चा करने में बहुत आनंद आएगा।
जी, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे लॉजिक वाला जी। जी अच्छा जी। जिनके जो आंसर था वो करेक्ट था वैश्य वाला, वो बी आंसर था, तो जिसने भी बी आंसर दिया है कम उन्होंने कम बी आंसर दिया है। हाँ ओके यार ये मेरे को ये थोड़ी शरारते करने लगी नहीं, ये ना निब कर रही है, इसके दांत पहने हैं, ये ना खाल नोच रही है, मतलब ठीक बुक ले रही है, चक मार रही है मेरे। नीचे बिठा दो इसको, वहां से इतना भौंकेगी कि मैं इसको मैं कर ही नहीं पाऊंगी, बिठाऊ नीचे इसको, नहीं बैठने से नहीं है, चलो नीचे चलो। गो, गो, गो। ओके दांत भी लगा दिए होंगे इसने इतने। ओके यहाँ पर ना मेरी तारें लगी हुई थी, तार कंप्यूटर वाली, ये भी एक प्रॉब्लम। चलिए हाँ ये मेरे बाथरूम में इसके लिए बॉक्कर लेके आओ मैम। ये बाथरूम में से जितने भी रक्स थे ना वो खींच खींच के ले आई, मेरी लॉन्ड्री बास्केट वो जो है ना कपड़े की उसको खींच के ले आई, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाके रख दी, अब ये सब चीजें कर रही है। चलिए फिर नेक्स्ट, कितना काम करती है ये जी। हाँ, लॉजिक मतलब वाला जी अगला प्रश्न। चलो अच्छा हुआ मैंने अगला प्रश्न लगा दीजिए। दिन की रोशनी में अगला प्रश्न आपके लिए लॉजिक वाला जी। गर्भावस्था के दौरान नर या मादा, क्या बोला मैम? गर्भावस्था, वही बोला था मैंने, गर्भावस्था के दौरान नर या मादा बच्चे का निर्धारण कैसे किया जाता है? ऑप्शन है ए जो अल्लाह देखता है और कहता है, बी अल्लाह एक फरिश्ते को गर्भाशय या का प्रहरी बनाता है जो अल्लाह से नर या मादा बनाने को पूछता है, सी पक्के नमाजी आदमी को हमेशा लड़का होता है, डी जिसे मोहम्मद चाहे वो अल्लाह को बता देता है। बड़ी भारी ड्यूटी है। आदमी को लड़का कब से होने लगा मैडम? हाँ ये भी सोचने वाला प्रश्न है। अरे वो मिसवाक वाला भूल गए क्या आप? अरे वो पिछवाड़े से होते पैदा। जो भी होता है ना, और लड़का नहीं होता, चूहा होता है, चूहा। नहीं नहीं सुनिए, ये कहीं से बड़ी शोर आ रही है, किसी का माइक और वो हो गया है। नमाजी मनुष्य मतलब वुमन भी है, मतलब ये मैंने गलती से आदमी लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य। चलिए एक आंसर लॉजिक वाला जी, इतना लॉजिक मत लगाइए। हाँ इलॉजिकल बनना पड़ेगा आपको। आंसर डी है मेरे ख्याल से, आंसर इज डी, जिसे मोहम्मद चाहे वो अल्लाह को बता देता है। वैसे सोचने वाली बात है। चलिए मैं प्रमाण पढ़ देती हूँ। चैप्टर वन, नरेटेड अनास बिन मलिक। द प्रॉफिट सेड अल्लाह पुट्स एन एंजल इन चार्ज ऑफ द यूटरस एंड द एंजल सेज ओ लॉर्ड इट इज सीमन, ओ लॉर्ड इट इज नाउ अ क्लॉट, ओ लॉर्ड इट इज नाउ अ पीस ऑफ फ्लैश, एंड देन इफ अल्लाह विशेज टू कम्प्लीट इट्स क्रिएशन द एंजल आस्क ओ लॉर्ड विल इट बी अ मेल और अ फीमेल, a wretched, an evil doer, or a blessed doer of good? Oh, acha. How much will his provisions be? What will his age be? So all that is written while the creature is still in the mother's womb.
सही अल बुखारी 6595 बुक 82 हदीस 2 वॉल्यूम 8 बुक 77 हदीस 594। मैम इतना सारा इन्फॉर्मेशन है आप रे। ये बो हाँ ये है ना, there is somebody in charge of the uterus. Angel, an angel is in charge of the uterus, but the angel asks, will it be a male or a female? ये देखिए, तो the angel asks, तो क्या है मैम करेक्ट आंसर? फरिश्ता ना, आंसर बी या सी कौन सा है करेक्ट आंसर? इन्होंने तो अल्लाह बोला था तो माफ कीजिए सर, कैंसल हो गया, नहीं मिलेगा कुछ आपको। अल्लाह एक फरिश्ते को घर घर गर्भाशय का प्रहारी प्रभारी बनाता है, मतलब यूटरस का रिस्पांसिबल बनाता है। गौतम सिंह जी ने करेक्ट आंसर दिया। मोहम्मद ने, मोहम्मद ने 12 बीवियां रखी, अल्लाह उन पे प्रभारी लगाना भूल गया लगता है। सही बात, वाह वाह वाह। अरे भारती माँ करेक्ट आंसर करेक्ट टाइम पे बोलती है भाई। अल्लाह ने कहा वो मोहम्मद की मुट्ठी में था। जैसे प्रीति मैम बोलती है दूर की कौड़ी लाती है भारती मैम। हाँ, दूर की कौड़ी जी जी। तो करेक्ट आंसर था बी। हाँ, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। गोपाल जी का आंसर भी करेक्ट था, प्राइवेट क्लास में उन्होंने लिखा है। अरे उन्होंने पहले पता नहीं कहा, अच्छा वो दूसरे क्वेश्चन गौतम सिंह ने, वो गौतम गौतम सिंह शायद उनका नाम है, गौतम सिंह नहीं, वो पुराने क्वेश्चन का था, उसका टाइम बहुत पहले का है। अच्छा लॉजिक वाला जी, आपने पार्टिसिपेट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। अगले कैंडिडेट पे चलते हैं। अवेस अवेस केडी मुस्लिम ऑफिशियल जी हैं, मुझे लगता है ये कुछ, ये जो ऑफिशियल आते हैं वो हमेशा डीपी चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा सोलो में जाइए, लेते हैं उनको अगर आप बोलती हैं तो। ओके मैम, स्पीड थोड़ा तेज कीजिए, 10:15 बज गए हैं। हाँ जी, अवेश केडी मुस्लिम जी, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, एक्स मुस्लिम हैं? मुस्लिम से लफ्ज जो मुस्लिम लिखा हुआ है आपको, उससे क्या लग रहा है कि मैं क्या होऊंगा? एक्स मुस्लिम लग रहे हैं। नहीं, एक्स मुस्लिम तो भाई नहीं, नहीं हम मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी लाजमी नहीं है या ऐसा सब, ये नहीं कह सकते, आपको एक आंसर चूज करना पड़ेगा। बोलिए, तैयार है? मैं प्रीति संडा जी, मैं असल में आपको एक चीज इन्फॉर्म करने आया था, आपको शायद ये बेहतरी लगे। वो ना एक चैनल मैंने देखा है कुछ दिन पहले, अलीना अली के नाम से है। ना बताएं मुझे और चैनल्स के बारे में। चले नहीं बताता कोई मसला नहीं बताता, सॉरी। सुनिए प्राइवेट चैट में लिख दीजिए पीछे, प्राइवेट चैट में, ठीक है? मैं प्राइवेट में लिख देता हूँ, आप पढ़ेंगी? एक सेकेंड, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप क्विज लेने के लिए तैयार हैं, क्विज करने के लिए? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और देखिए, मैं एक बात तो और कहनी थी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, वो मैं नाम नहीं लेता, चलो कोई मसला नहीं। वो आमिर हक ने ना कल वो जो ब्लू मैन है ना, आपका ब्लू मैन, उसकी पूरी की पूरी ब्लू फिल्म चला दी है यूट्यूब के ऊपर, उसको कृष्णा की सारी उसने धोती खोल के रख दी है, दिखा दी है कि किस तरीके से वो औरतों के पीछे। देखिए, मैंने आपसे पूछा ही नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्कशंस नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर केवल क्विज के लिए क्वेश्चंस चल रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करने आए हैं तो ठीक है, अगर आपको डिस्कशंस करने हैं तो सनातन सभा होती है एवरी ट्यूसडे, आप उसमें आइए और वहां पर डिस्कशन करिए। और अभी कोई अर्जेंट बात, अरे नहीं, तो वो पीछे प्राइवेट चैट में लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से ऐड कर रही हूँ आपको, आपको बताइए। कृष्णा जी के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, आप क्यों ऐड करना चाहते हैं इनको? ना ऐड करें मैम। ठीक है,
टोनी स्टार्क जी को लेते हैं नेक्स्ट जी। ताशु अगेशवन ये क्या रे केडी मुस्लिम कबूतर यार, तू इधर भी आ गया। अरे छोड़िए, समझ भी नहीं है। टोनी स्टार्क जी स्वागत है आपका। अरे छोड़िए उनको, जाने दीजिए। अरे वो हलाला करवाने आया अपना। इसको कोई पूछता नहीं है, इतना ये दिमाग सा ढीला है, अकल से पीला है ये बंदा। पता नहीं हग हग बोल के यहाँ के यहाँ पे आके हग रहे हैं क्या? मेरे को ब्लॉक किया अपने बाप को जाके पूछना यार, मेरे को ब्लॉक क्यों किया? केडी अपने बाप को पूछ यार जाके, ब्लॉक क्यों किया था मेरे को? कैसा यार तू तो कबूतरबाजी करता है, थोड़े बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान दे यार। कबूतरबाजी छोड़ दे, तेरी क्या मिलने वाला है दलाली से तेरे को? इतना अच्छा इंसान है यार तू, तेरे बातें मैंने सुन रखी है, लेकिन तू यार कबूतर में अभी पूरा जीवन तेरा बर्बाद करने वाला है तू। क्या यार अच्छा लगता है क्या केडी तेरे को? तेरी साहिल भाई ने बजाई, तेरी मुन्ना भाई ने बजाई, अली भाई ने बजाई, इधर भी आ गया तू यार। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तेरे को यार। अब ये हलाला करवा के मानेगा, हलाला करवा के मानेगा ये अपना हलाला स्पेशलिस्ट से। हाँ हमारे हलाला स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। टोनी स्टार्क जी ये एजुकेटेड हैं क्या? क्या आप जानते हैं इनको? अवेश जी को ये बंदा मदरसा छाप, सुनने का नाम नहीं लेता, इसको हर कोई गाली देने के लिए तैयार होता है, सुनता ही नहीं है ये। ठीक है चलिए, एजुकेटेड तो नहीं है, अगर आप बोल देते कि वो एजुकेटेड बंदे हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख होता। मदरसे से एजुकेशन लिया है उसने, उसको अकल का पता नहीं, कुछ पता नहीं उसको। हाँ जैसे कि भाई ने ठाकुर ने बोला हलाला करवाने के लिए आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। अरे कोई नहीं, एक बंदा कमेंट मार रहा है अलाला स्पेशलिस्ट जी आपके पास एक केस आ गया है। केस आ गया सर, कर लीजिए अपनी पेटी बांध लीजिए, नाड़ा खोलिए जल्दी। मिल गया मेरे को कस्टमर। अच्छा हम अब अपना दीन की रोशनी में अगला प्रश्न पढ़ते हैं जी। दीन की रोशनी के अनुसार, कुरान के अनुसार रात कैसी होती है? ऑप्शन है, जब भी अल्लाह कहता है रात हो जाती है। बी, जब रात से दिन छिन जाता है तो अंधेरा रह जाता है। सी, जब चांद सूरज को ढक लेता है। डी, जब आकाश सूर्य को ढक लेता है। बताइए टोनी स्टार्क जी। ठीक है, अगर एक एक प्रश्न का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब भी अल्लाह कहता है रात हो जाती है, क्या अल्लाह के बाप का राज है क्या? जो अल्लाह कहता है वो होएगा। हाँ रे केडी तू ही बोल मेरे को, उसके बाप का राज है, वो है या नहीं है उसका भी पता पता नहीं है। दूसरा, जब रात से दिन छिन जाता है तो अंधेरा हो जाता है, कुछ भी यार। केडी तेरे को दिमाग विमाग है क्या नहीं? तू इसके ऊपर रिसर्च करता है क्या नहीं रे तू? ए ए मेरा आंसर, मेरा ए ले लो, ए अल्लाह के बाप का राज। केडी अल्लाह के बाप का राज राइट है क्या नहीं? बोल कमेंट में बोल केडी। चलिए टोनी जी एक आंसर इसमें से सिलेक्ट कर लो आप। ए ए ए उन्होंने ए को सिलेक्ट कर लिया जी, ए को अल्लाह ताला लगा दीजिए। एक आंसर मैंने बोला, ए नहीं बोला, एक आंसर। हाँ उन्होंने ए ऑप्शन ए चूज किया मैम, दिया मैम ए ऑप्शन को। मेरी स्क्रीन छोटी तो नहीं हो गई ना, क्योंकि कोई ऐड हुआ था लग रहा था जी। ठीक है मैंने क्वेश्चन पूरे पढ़े नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक। बस कीर्ति करिए प्रीति जी, कल पनवेल भी निकलना है। अरे जी प्रमाण है।
कुरान 36:37, और मेरी कुदरत की एक निशानी रात है जिसे हम दिन को खींच कर निकाल लेते, जलाए कर लेते, मतलब निकाल लेते हैं, तो उस वक्त ये लोग अंधेरे में रह जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी, ये कुरान, वाह वाह, साइंस कमिटेड सुसाइड अगेन टुडे। हाँ साइंस, देखो ये लोग दिन को खींच के निकाल लेते हैं तो बचता है अंधेरा। मैम साइंस भी लाइक, मैं क्या करूं, मर जाऊं? आपने सोची भी नहीं होगी मैम, ये जो रे है वो बहुत पढ़ाकू लड़का है ना, वो इंटेलेक्चुअल है, तो ये सब पढ़ने के बाद भी बोल रहा था उस दिन के मुझे कन्वर्ट होना है भाई। अरे वो कभी वो बेपैन, ठीक है मैं और नीचे एंजॉय करूंगा, लेकिन केडी को बस ये बोलूंगा कि साहिल भाई ना भाई हवेली पे इंतजार कर रहे हैं महबूबा का, उसको भेज दो। अरे टोनी स्टार जी, लेकिन मुझे एक दुख है सर, आपको 72 हुरे नहीं मिल पाई सर। नहीं नहीं उसका कोई नहीं है सर, ये तो इनका किराया नहीं सर, मैं टेंशन मत लीजिए, आप अपने बंदे, मैं करवा दूंगा जुगाड़ आपका। भाई महबूबा को थोड़ा पेगाम दे दे केडी, तू तो उधर का दलाल है, तो प्लीज यार इतना काम कर दे, महबूबा को बुला, साहिल भाई पता नहीं कैसे उनके दिन रात कट रहे हैं, अभी वो ही जानते हैं उनका हाल दिन। अरे टोनी जी थोड़ा धीरे बोली है, उनका हलाला चल रहा है, वो ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है ना, क्या करें आप, ऐसा मत कीजिए प्लीज। पता नहीं कौन सा मौलवी इसके मजे लेता होगा। हाँ यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट था, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आ गया वो, वो अपना तशरीफ देखिए गौतम सिंह जी का कमेंट, मदरसा छाप मौलवी को तशरीफ देते हैं। ये मेल हलाला यही तो है, स्टार्टिंग ऑफ हलाला, कोई दो राय नहीं है, ऐसा होता है लोग के साथ, इसके लिए ऐसे ये केड़ी जैसे बच्चे आते हैं, पहले बचपन में अच्छे रहते हैं, फिर पागल पागल हो जाते हैं, पगलाए होते हैं, यौन शोषण का शिकार युवा पीढ़ी। केड़ी यार प्लीज यार इतना पैगाम पहुंचा दो यार, समझो महबूबा को भेज दो हवेली पे, तेल लेके इंतजार कर रहे हैं साहिल भाई, प्लीज यार। हाँ पूरा पूरा तैयार अगेन ऑयल, अरे दोबारा तेल आ गया, तेल का सही इस्तेमाल करें। तेल करते वो इस्लाम कहाँ गया तेल लेने, वो आईडिया अच्छा था, उन्होंने बदल दिया आज। अच्छा अभी मेरे को ये बोलो, हम भी हवाले के साथ अगर बोलते हैं कि अम्मा आयशा को नबी पाक ने 6 साल में शादी और 9 साल में, मैं बोलूं कुछ बातें मैं कर सकता हूं खुले होके, या मैं आप ये उसने गलत गलत बोला है, ये लोग कह रहे हैं खत्म करें फिर। मैम अभी कितने क्वेश्चंस हैं मैम? अभी हमने 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अच्छा 5 है, हाँ टोनी स्टार, हम 5 क्वेश्चंस जल्दी जल्दी खत्म कर देते फिर हम बात कर सकते हैं। ठीक है मैम कंटिन्यू करें, आप जुड़े रहिए, हम सबको ले लेंगे फिर स्ट्रीम में, 5 तक क्विज़ तो ओवर, नए लोग प्लीज जुड़िए क्वेश्चन के लिए। हां ठीक है मैं हूं इधर ही हूं नीचे, अब देख रहा हूं मैं। हां ठीक है जी, और नए लोग, एक और बंदा जुड़े थे अभी थोड़ी देर पहले, वो शायद ड्रॉप हो गए हमें। नियम जी, हलाला स्पेशली, बोंगोबासी एलआरएम जी, गौतम सिंह, संजीव थापा जी, आप सब जुड़े प्लीज, हमें नए लोग चाहिए। 5 क्वेश्चंस ही हैं तो जो चाहे, 5 लोग चाहिए हमें, 5 लोग। हरीश कुमार शुक्ला जी, दरे भाई तुम भी जुड़ जाओ, और तपोभूमि श्रेष्ठ भी, ये नए है क्या या फिर ये शालू है पता नहीं। प्लीज हमें 5 कैंडिडेट्स चाहिए, कोई जुड़ा है लगता है, व्योम जी जुड़े हैं। हाँ एक सेकंड, हाँ व्योम जी, जी व्योम जी स्वागत है आपका जी, धन्यवाद।
आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम जी। प्रणाम इनकलाब जिंदाबाद सर जी। मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ। जी दीन की रोशनी में आज का 16वां प्रश्न हदीस के अनुसार है कि कुरान के अनुसार है? कुरान। कुरान के अनुसार दिन रात सूरज और चांद डैश ऑप्शन ए सब एक एक आसमान में पैर पैर कर चक्कर लगा रहे हैं, बी सब आकाश में जड़े हैं, सी सब अल्लाह के रहम पे हैं, डी सब रोज आते जाते हैं। जी व्योम जी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। ये ऑप्शन ए में कोई मिस्टेक तो नहीं है मैम? सब एक एक आसमान में पैर कर चक्कर लगा रहे हैं। उनको आंसर करने दीजिए। मेरे हिसाब से आंसर ए है। तो ठीक है चलिए मैंने कब बताया मेरे को तो यूं ही बदनाम किया हुए। भाई गंदे पैर से तुम बाथरूम कैसे जा रहे हो? एक मिनट बाथरूम के लिए तुम जाते तो आते जाते तो पैर इसका बैकग्राउंड प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। कुरान 21:33 और वही वह कादरे मुतल्लक है जिसने रात और दिन और आफताब और महताब को पैदा किया कि सब के सब एक एक आसमान में पैर कर चक्कर लगा रहे हैं। तो जीनी जी आपको पता है सबके एक एक अलग अलग आसमान है और सब पैर कर रहे हैं उसमें आसमान में और चक्कर लगा रहे हैं। कुरान 21:33 थी ये। कुरान 36 और उसके वर्सेस आयते 38 से लेकर 40 यानी तीन वर्से ये हैं और एक निशानी आफताब है जो अपने एक ठिकाने पर चल रहा है। ये सबसे वाकिफ खुदा का वादा हुआ अंदाजा है और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं यहाँ तक कि फिर के आखिर माह में सूर की पुरानी टहनी का सब पतला टेढ़ा हो जाता है। ना तो आफताब ही से बन पड़ता है कि वह महताब को जा ले और ना ही रात दिन से आगे बढ़ सकती है। चांद सूरज सितारे हर एक अपने अपने आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए कि सब लोग एक एक आसमान में पैर कर चक्कर लगा रहे हैं। तो भारती जी सोच रही है कोई मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है, कोई गलती नहीं है, सबके एक एक आसमान में है और उसमें वो पैर डाल रहे हैं अपना एक एक और चक्कर लगा रहे हैं। भारती मैम अपना खुद का रूल भूल गए कि इलॉजिकल सोचना है, तो उससे गलती नहीं थी सही थी। हाँ भारती जी कहाँ चली गई, म्यूट हो गई वो। हाँ मैं म्यूट कर लेती होती हूँ पर मैं आपने ना ये पूछ के ना उनको हिंट दे दिया यही आंसर है ये कह रही थी मैं। ओ हाँ और देखो मेरे को कोई हिंट नहीं मिला था। अच्छा आपको पता था ये तुक्का अच्छा था। तुक्का भी नहीं था। अच्छा तुक्का भी नहीं था, आपसे जो सुना था वो बताया मैंने और जो सबसे भद्दी और गंदी चीज है उसको आंसर कर दो वो सही रहेगा। जिब्राइल आया था बताने। भारती जी का है फॉर्मूला और आज उन्होंने अपने फॉर्मूले पर ही वो सोच रही थी गलती है। नहीं सबके अपने अपने आसमान है भारती जी और उसमें पैर डाल के वो चक्कर लगा रहे हैं।
ठीक है मैम, ठीक है। गनीमत है पैर डाला। ये तो है। और देखो कि ये जो सूरज है, चांद है, रात और दिन, इन सबके अपने अपने आसमान है जिसमें कि ये पैर डाले हैं। इनके पैर डालने से सूरज चांद पैदा ही नहीं हुए थे उसके पहले, 1400 साल के पहले सूरज और चांद पैदा ही नहीं हुए थे, और उस समय जो दिन और रात हो रहा था वो पता नहीं कैसे हो रहा था है 8000 साल से। तो हमारी सभ्यता है जो मतलब जानी सुनी है, उसके पहले जो दिन और रात हो रहे थे वो पता नहीं हाथ पैर कुछ भी नहीं डला था तब भी हो रहा था। तो क्या बोले, मतलब बकवास की भी हद होती ना। यही है अब, ये तो ठीक है। सेल्फ ऑब्सेशन बोलते हैं सर। हाँ मतलब कपोल कल्पित है, ये कपोल कल्पना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, ये एक बीमारी होती है और कपोल कल्पना है। लॉजिक वॉजिक तो खैर सोच ही नहीं सकते कि वहां पे कोई लॉजिक था या कुछ था या उनके पास हो तो सब। आप एस्ट्रोलॉजर हो ना? आप जी, लेकिन प्रोफेशनल नहीं हूँ। आज एस्ट्रोलॉजी का भी मर्डर हो गया सर आपके सामने ही, बताइए। वही तो बोल रहा हूँ, छठवीं शताब्दी में छठवीं सूर्य सिद्धांत जो है, सूर्य सिद्धांत इनके जन्म होने से पहले आ गया था और उसके पहले गोलाध्याय आ गया था। गोलाध्याय मतलब न्यूटन से पता नहीं कितने सौ साल पहले, जिसने बता दिया था कि सेब ऊपर से। हाँ, जी के साथ एक डेडिकेटेड स्ट्रीम रखना चाहिए। हाँ, मैं ये कहने वाली थी जीनी जी की, यहाँ पर एक किसी ने ये कहा है, एक कमेंट किया है नीचे, कह रहा है कि भाई अगर आपने ये पढ़ना ही है तो सही से पढ़ो ना। यहाँ पर कहाँ गया वो, मैंने भी पढ़ा था। अरे मैम छोड़िए मैम, उनको पढ़ना है सही से तो स्ट्रीम में जुड़ के पढ़ सकते हैं क्या, कर सकते हैं। मतलब प्रीति जी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये इनमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको आंसर करना, जिसपे बात करना भी अपनी बेवकूफी समझ में आती है, और जहां पे हमको ये समझ में आता है कि हम कोई बेवकूफी कर रहे हैं तो हमको अपने आप पे शर्म आती है। तो कुल मिला के ये है कि मतलब मैं, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, एटलीस्ट ये चीजें पर्दाफाश हो रही हैं। हाँ, और ये चीजें, हाँ ये समाज में जा रही हैं। आपको नहीं मालूम कि किसको कितना ये प्रॉफिट कर रही हैं, किसको कितना ये फायदा पहुंचा रही हैं। धन्यवाद और धन्यवाद व्योम जी, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं। अब आगे लेट्स एक्सप्लोर विद डोरा जी लिख रही है कि जब पढ़ भी रहे हो तो सही तर्जुमा पढ़िए। अच्छा मैं सही तर्जुमा इसका निकाल के पढ़ देती हूँ इनकी पूरी। ये जो कह रहे हैं ना कि पैर डाल के चक्कर लगा रहे हैं, इसका सही तर्जुमा एक मिनट, सिर्फ एक मिनट प्रीति मैडम, एक मिनट प्रीति मैडम। तर्जुमा और जो बात लिखी है उसका जो अर्थ स्पष्ट होता है वही एक्चुअल अर्थ होता है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता। अगर मैं ये बोलूं कि मैं आ रहा हूं तो उसका यही मतलब होगा कि मैं आ रहा हूं, तो इंटरप्रिटेशन जी। पढ़ना चाहती हूं इनका तर्जुमा, प्लीज म्यूट हो जाइए आप। जी जी जी, आप जुड़े उसके लिए धन्यवाद। सुनिए, जो वो वाला था वो मिटा दिया आपने? हाँ डोरा जी, नहीं नहीं वो है, वो है, वो है। मैं तो डोरा जी को मैं दिखा देती हूँ, ये मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ ये निकाल दो अभी, इनका पढ़ दो जरा, इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं हम तो यहाँ पर। जान देने बैठे हैं सूरा 21:33, मैं दिखा दूं कि यही वाली थी कुरान 21:33। तो मैंने कुरान की 21 और 33 खोल दिए, तफसीर जला रीड इट। And he it is who created the night and the day and the sun and the moon, each kulun, the nation of this particle, stands in place of the second noun of the genitive construction that would have been al-shams, the sun, or al-kamar, the moon, or their subsidiaries.
namely Al Nujum, the stars, in an orbit, a circular one like a mill in the sky, swimming, moving with speed like a swimmer in water. In order to effect the analogy with the latter, the plural person of the verb employed for rational beings is used. Tafsir Al Jalalain, translation Firaz Hamza. तो ये जो है ना, ये तफसीर मैंने पढ़ दी है, तो इसमें भी यही लिखा है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ये सब के सब, सन घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, लाइक अ मिल इन द स्काई स्विमिंग, ठीक है। तो आपकी ये तफसीर भी पढ़ दी है, भी बहुत गलत है, सन कभी भी जो है ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है सर्कुलर। मैम ये वही बात हुई ना जब हमने वो स्ट्रेंथ ऑफ द हदीस दईफ हदीस पढ़ा कि हाँ। अगर वो फैब्रिकेटेड भी है तो 45% एक्यूरेसी देते हैं ये लोग, एक बोलता है ये 100% सही है, उसी को दूसरा बोलता है 100% रॉन्ग है, अब ये किसका मानेंगे? देखो फैब्रिकेटेड तो नहीं मानेंगे, मैं कह रही हूँ जो दाइफ हदीस है वो 85% हाँ। करेक्ट होती है, करेक्ट 85% करेक्ट, तो जो जो सही हदीस है वो 90% करेक्ट होती है, जो हाँ। सन हदीस होती है वो 90% करेक्ट होती है, और जो दाइफ होती है वो 85% करेक्ट होती है, तो अगर किसी ने 85% मार्क्स आए किसी के एग्जाम में तो वो फेल नहीं हो जाता है, करेक्ट। इसका मतलब ये है, हाँ, तो इन कंपैरिजन टू अ सही इट इज स्लाइटली लेस, मतलब अगर दोनों yes. का दो दाइफ एंड सही का देन यू प्रेफर सही, बट इन अगर yes. मौलाना का कोई कोई कुछ कह रहा हो एंड देयर इज अ दाइफ हदीस, तो दाइफ हदीस की ज्यादा वैल्यू है, 85% it is correct. Correct. मैं क्या बोल रही हूँ, अगर वो 100% सही भी है तो पर्सन ए बोलेगा ये 100% करेक्ट है, पर्सन बी उसी हदीस को बोलेगा 100% रॉन्ग है, तो मैं ये बोल रही हूँ ये किसी का भी हदीस नहीं मानेंगे, अगर पसंद नहीं है तो बोल देंगे दईफ है, ये बोल रही हूँ मैं जो लास्ट स्टेटमेंट था, वो तो इनका जो जज आया था वो भी ये बात कह रहा था, हम तो हदीस को मानते ही नहीं है, धीरे धीरे ये कुरान को भी बोलने लगेंगे जब कुरान अब देखो ये हदीस नहीं थी बाय द वे, कुरान की है, करेक्ट, कुरान से आयत, मैम नॉट विद मैम, और देखो शिया और सुन्नी कितना भी अलग क्यों ना हो पर कुरान पर दोनों एक है, दोनों कुरान को जो ट्रांसलेशन होता है वो हदीस माना जाता है या नहीं, मुझे नहीं, वो तो कुरान का जो ये जो तफसीर है, दिस इज एडेड एक्सप्लेनेशन टू द कुरान आयत, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इट इज लाइक जैसे भावार्थ एक लिटरल ट्रांसलेशन होता है और एक भावार्थ होता है, तो ये भावार्थ टाइप का, जी चलिए छोड़िए क्या करें अब वो सब्जेक्टिव है, रे, हाँ, तो मैम आपके फेवरेट आ गए हैं द रे, स्वागत है आपका रे जी, जय श्री राम मैम, जय श्री राम, अरे आज ये हिंदू है कल वो फिर मोमिन या क्रिश्चियन बन जाएंगे देखें, नाउ आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, हाँ क्या, आई एम नाउ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, सो आई विल बी ऑलवेज अ हिंदू नाउ, ये बहुत अच्छी बात है, अरे वाह, आप तब तब है जब आप टिके रहोगे, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करती हूँ, और लोग बहुत कम हो गए हैं जबकि आज सैटरडे नाइट है आपकी, तो लोग ज्यादा होने चाहिए थे, एनीवेज जी, दिन की रोशनी में अगला प्रश्न है, अंतिम घंटे के समय तरहियां बजेंगी, अल्लाह आसमान से पानी उतारेगा और लोग डैश के केवल डैश का क्षय नहीं होगा जिससे पुनरुत्थान होगा, ठीक है जी, ऑप्शन है ए भयभीत सर, बी डूबने वाले खोपड़ी, सी सब्जी की तरह अंकुरित मेरुदंड, डी मरने वाले और लिंग,
मैम आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ तुरिया एंड शेव बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट तुरिया होता है जो शहनाई जैसी बजती है ना वो पीपनियां वो जो है ना वो बजेंगी और अल्लाह जो है वो आसमान से पानी उतारेगा और लोग डैश होंगे या तो भयभीत होंगे या डूबने वाले होंगे या सब जो ट्रम्पेट्स मैम मरने वाले होंगे और केवल देखो ये तो सब होगा लेकिन एक चीज जो है शय मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगी एक चीज बच जाएगी वो क्या है वो सर है या खोपड़ी है या मेरुदंड है या लिंग है सर मतलब हेड खोपड़ी भी हेड होता है मेरुदंड होता है स्पाइनल कॉर्ड और लिंग होता है पीनस तो इनमें से बताइए मैम इस कॉन्टेक्स्ट में तो डूबने वाले ही होंगे बिकॉज वाटर है ना जो लोग अच्छे से स्टीम अटेंड करते हैं ना उनका ये प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता मैम वैसे तो डी सबसे बेकार वाला है पर सही लाइन पे आ ही गया था ये चलिए मैं प्रमाण पढ़ देती हूँ सही मुस्लिम 2955A अबू हुरैरा रिपोर्टेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह एज सेइंग बिटवीन द टू ब्लोइंग्स ऑफ द ट्रम्पेट देयर वुड बी एन इंटरवल ऑफ 40 दे सेड अबू हुरैरा डू यू मीन 40 डेज ही सेड आई कैनॉट से एनीथिंग दे सेड डू यू मीन 40 मंथ्स ही सेड आई कैनॉट से एनीथिंग दे सेड Do you mean 40 years? He said, I cannot say anything. Then Allah would cause the water to descend from the sky and they, people, will sprout like vegetable. The only thing in a man which would not decay would be one bone, spinal cord, from which the whole frame would be reconstituted on the day of resurrection. Ji, so answer is spinal cord. और रीढ़ की हड्डी और वो भी तो फर्स्ट हाफ है पीपल स्प्राउट लाइक वेजिटेबल हाँ क्या मतलब ये बंदा बोल रहा है आई कैन नॉट से एनीथिंग क्या बोल क्या सकता है बंदा आई कैन नॉट से एनीथिंग कौन सा ऑप्शन पे तो स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा था ये सब्जी की तरह और केवल मेरुदंड का क्षय नहीं होगा जिससे पुनरुत्थान होगा सॉरी रे तुम्हें हुरे नहीं मिलेंगे लास्ट इट नो आई एम नाउ एन ऑफ प्रिंसिपल्स अच्छा व्हाई अ चेंज ऑफ पार्ट ऑल ऑफ अ सडन जर्नी ऑन नो फैप स्ट्रीक नंबर 144 सॉरी व्हाट नो फैप जर्नी स्ट्रीक 144 ब्रह्मचर्य अच्छा चलो ठीक है देखते हैं क्या आंसर सही है जीनी सी आंसर करेक्ट है सी आंसर हाँ हाँ मैंने हाईलाइट कर दिया सभी लोगों का जिनका करेक्ट आंसर था इसका भी है गौतम सिंह का हाँ गौतम सिंह जी ब्राइट स्टूडेंट हैं जी सभी करेक्ट आंसर जीकेएम जी को जी धन्यवाद मैम मैम रे का तो वो हाल है किसी मूवी में किसी को इंस्पेक्टर बने देख लिया तो मैं इंस्पेक्टर बनूंगा किसी को डॉक्टर बने देख लिया तो मैं डॉक्टर बनूंगा अभी पुल बुला रहा है तो मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा मैं बताऊं भारती जी अभी ब्रह्मचर्य में है जैसी शालू आएगी वैसी कूद पड़ेगा अरे अभी तो वो अभी तो वो सरस्वती बहन जी के पीछे पड़े हो रे गलत बात है भाई सरस्वती को बख्श दो सेलिब्रेसी और फ्लर्टिंग का मतलब क्या है नॉट गुड सरस्वती जी मैं तो आपको वॉर्न मतलब सजेशन दे रही हूँ थोड़ा बच के रहिएगा सनातन सभा होगी तो एक नमस्ते जीनी मैडम नमस्ते प्रीति मैडम
और सभी दर्शकों को श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद भाई। पूछने से पहले जी जी एक मिनट जी, मैं सवाल थैंक यू। वो ड्रॉप हो गया। पूछने से पहले म्यूजिक बजाएंगे वो वाला केबीसी वाला। देखिए हम ना अभी कोई क्वेश्चंस और बातें नहीं करेंगे, बस खाली बहुत 3.25 घंटे हो गए हैं तो हम ना अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं जल्दी जल्दी। चलिए तो हमने मतलब पिछले वाले क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया कि देखो जब कयामत का दिन होगा ना तो सारे लोग जो है वो सब्जियों की तरह स्प्राउट करने लगेंगे, मतलब अंकुरित हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर से ना वो निकलने लगेंगे, आप एक बीज की तरह से एक्ट होने लगोगे। सब्जियां अंकुरित होती है ना तो मतलब उसमें से पेड़ निकलने लगते हैं, तो हमारे अंदर पेड़ निकलने लगेंगे ठीक है, और हमारा सारा शरीर नष्ट हो जाएगा और खाली जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो रह जाएगा। इसकी साइंस के बारे में आपका क्या कहना है भारती जी और जीनी जी? लंबी चीजों से बहुत प्यार है इनको। लंबी चीजों से मतलब? मैंने भारती जी और जी से पूछा है। अरे मैडम ये मैम इनका थॉट प्रोसेस देखो, हम लोगों को किसी को अंकुरित होके फूलना नहीं है। हम पांच तत्व में विलीन होने वाले लोग, हम पांच तत्वों में विलीन होने वाले लोग सब्जियों की तरह अंकुरित नहीं होंगे। हाँ। यहाँ दीन की बातें चल रही है और ये बंदा अश्लील बातें कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। कौन कर रहा है भाई अश्लील बातें? जी के अश्लील बातें ही तो मतलब भाई लिंग योनी अश्लील बातें हैं, इनकी किताबों में लिखी हुई हैं ये। सुनिए ठाकुर जी, दीनी बातें का मतलब ही है कि गंदी बातें। चलिए तो इनको समझाइए ना मैम फिर। जी के एम जी आप रेडी रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो कैसे म्यूजिक बजता है केबीसी का? आप ना अपने आपको म्यूट कर लीजिए जी के एम जी। जी के एम जी दिन की रोशनी में अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोला था मैम? अगर नमाज अदा करते समय पाद मारो तो डैश ऑप्शन है ए नमाज छोड़कर उठ जाओ, बी जब तक नमाज मत छोड़ो जब तक आवाज सुनाई ना दे या बदबू ना आ जाए, सी नमाज पढ़ते ही रहो, डी अगर टट्टी भी निकले तो छोड़ दो। जी जी केम जी जी केम जी ये अश्लील बातें नहीं है, ये कौन सी बातें हैं? ये अश्लील नहीं ये दीनी है। बोलो जी के एम जी। देखो दीन की रोशनी में आपको इतना ज्ञान मिल रहा है, आप तो कोमा में चले गए जी के एम जी। लगता है शैतान आके चला गया यहाँ से। जी के एम जी आपको क्या हो गया? अनम्यूट करके बोलिए। जी के एम जी अनम्यूट होके आंसर बताइए अपना। डी वाला सीन हो गया इनके साथ। मुझे पीछे का दिख नहीं रहा और जीनी चली गई है तो बड़ी मुसीबत है मेरे को, ये पेज हटाना पड़ेगा देखने के लिए कि पीछे जी के एम जी क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं, क्या वो ड्रॉप हो गए हैं या हैं या क्या है पता नहीं। हाँ देखिए मैम
डी वाला सीन हो गया इनके साथ जी तो है ही नहीं जी किम जी, वो गायब हो गए। अरे ओहो, एक्स हिंदू है, एक्स हिंदू जी, आप मुस्लिम हैं? अपना परिचय परिचय दीजिए, चक्की का आपने डीपी लगा रखा है, परिचय दीजिए। हिंदू था, अभी फिलहाल हिंदू धर्म छोड़ने की सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप प्रश्न का उत्तर देने रेडी हैं? नहीं नहीं मैडम, मेरे को इस्लाम की जानकारी नहीं है। तो फिर आप पैनल पे आए हैं, तो यहाँ पर तो आज क्विज हो रही है, तो वही लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप सनातन सभा होती है ट्यूसडे को, उसमें आइए। जी बिल्कुल ठीक है, आप जी ठीक है, आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आप जो भी पार्टिसिपेशन करने के लिए आ रहे हैं, प्लीज आगे आइए और ज्वाइन होइए, हमें कैंडिडेट चाहिए, क्वेश्चन आपको मिल चुका है। नरेंद्र कुमार जी, आपने क्या आंसर कर दिया था पहले? हाँ कर दिया, मैं कर दिया जी। तो कोई और है पार्टिसिपेंट हमें चाहिए? मैम क्लोज करिए अब। नहीं तो ऐसा करिए ना कि इसका आंसर जो है आप दोनों दे दीजिए, भारती और ठाकुर। भारती मैम से पूछिए, मैम भारती मैम से पूछते हैं क्योंकि ठाकुर ने तो आंसर दे दिया। भारती जी आपको क्या लग रहा है? मैम क्वेश्चन दोबारा दिखाओ। अगर नमाज अदा करते समय पाद मारो तो नमाज छोड़कर उठ जाओ। मेरे को तो लगता है डी होना चाहिए। मतलब अगर वैसे मत छोड़ो, पर अगर टट्टी भी निकल जाए तो छोड़ दो। पता नहीं, जीनी जी तो अभी आई नहीं है, तो ठाकुर आप पढ़ दो जी मैम, रेफरेंस पहले पढ़ दो ऊपर का जी मैम। कलेक्शन सही बुखारी दर अस इस्लाम रेफरेंस हदीद 139 इन बुक रेफरेंस, सॉरी मैम 37 बुक 4 हदीद 3 यूएससी एमएसए वेब इंग्लिश रेफरेंस वॉल्यूम 1 बुक 4 हदीद 139 नरेटेड अबाद बिन तमीम माय अंकल आस्क्ड अल्लाह मैसेंजर अबाउट ए पर्सन हु इमेजिन टू हैव पास्ड Wind during the prayer, Allah, apostle, replied, he should not leave his prayers unless he hears sound or smell something. हाँ, तो correct answer नहीं था भारती जी का। भारती जी, आपके मूड cancel हो गए हैं। इसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब तक नमाज मत छोड़ो जब तक आवाज ना आए पाद मारने की और बदबू ना आ जाए। अब मैडम आपको जन्नत में हूरों का सरदार नहीं बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, वंचित रह गई आप, आपको पता है अब आप कमांड नहीं कर पाएंगी किसी पे। हमारी कमांड सब तरफ चलती है। चलिए हमारी कमांड की चिंता, हमारी कमांड की चिंता मत करो भारती मैम, आपकी कमांड बस खेती पे चलेगी। बोंगो बासी जी, तो अच्छी बात है ना। आई एम द मैन जर्नलिज्म टाइकून, प्लीज ऊपर आइए, जितेंद्र जी ऊपर आइए, गौतम सिंह जी ऊपर आइए, जोनम जी। मैम 11 बज रहे हैं, मैम क्लोज कीजिए। कोई बात नहीं, तो दो प्रश्न और रह गए हैं, फिर हम क्लोज कर देंगे, इसमें क्या है बड़ा। तो मेरे को दो प्रश्न जो है अगले बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे मैम उनका जवाब मैं दे देता हूँ। चलो मैम अगला प्रश्न ठाकुर देगा, और नरेंद्र कुमार भी हैं एक पीछे, इनसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनको बोनस मिल जाएगा। जी जी, एक ठाकुर और एक नरेंद्र कुमार जी।
चलो नेक्स्ट ठाकुर दे देगा उसके लास्ट वाला जी। तो अगला क्वेश्चन ठाकुर के लिए, उसके अगला वाला नरेंद्र जी के लिए। मैम मेरे पास 144 हूर हो जाएंगी, नाउ आई एम हैप्पी। चलिए सही देगा तभी होएगी इस बार, जिनी ते को नकल नहीं मरवाएगी। अच्छा अरे मैम अच्छा चलो ना चलिए ठाकुर को क्वेश्चन पूछिए आरती जी। जी ठाकुर जी, दिन की रोशनी में अगला सवाल आपके लिए, पहला शब्द बोल दीजिए मैम। मोहम्मद ने कहा। ओके, मोहम्मद ने कहा, जब तक धी अल खलासा के चक्कर लगाते हुए दाउस जनजाति डैश, तब तक आखिरी घंटे की स्थापना नहीं होगी। ऑप्शन है ए, दाउस जनजाति की महिलाओं के गर्भधारण नहीं होंगे। बी, दाउस जनजाति की महिलाओं के निकाह नहीं होंगे। सी, दाउस जनजाति की महिलाओं के नितंब नहीं हिलेंगे। डी, दाउस जनजाति की महिलाओं के खरीद फरोख्त नहीं होगी। मैम मोहम्मद ने कहा कि जब तक धी अल खलासा के चक्कर लगाते हुए दाउस जनजाति तक खरीदे। मैम ये मुझे ना ये इसमें से ना डी लग रहा है मैम, या फिर डी हो सकता है या फिर ए। ऐसे नहीं, आप या तो कर लो या आप हेल्प ले लो, आप कोई जुड़ा भी है पीछे, दो दो नहीं व्योम जी जुड़े हैं। खैर तो मेरे को इसका आंसर लगता है मेरा आंसर राइट होना चाहिए। मैं हेल्प कर दूं मैम? ना ना ना, ना, ना आंसर होना चाहिए। हेल्प करती हो ठाकुर बताओ एक आंसर। अरे मैडम महिलाओं के नितंब तो हिल वैसे भी हिल सकते हैं, महिलाओं का निकाह नहीं होगा, एक महिला गर्भधारण नहीं होंगे। एक मिनट मैं, मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ने दीजिए। मोहम्मद ने कहा कि जब तक दी अल कायदा के चक्कर लगाते हुए जनजाति, अरे महिलाओं के गर्भधारण नहीं होंगे, ठीक है ए, इसका आंसर होना चाहिए सी। देखते हैं अरे कैंसिल हो गई मेरी हूर। थू। अच्छा अभी मैं ना इसका वो पढ़ देती हूँ। तो ये है सही बुखारी की हदीथ नंबर 7116, बुक 92 हदीथ 63, वॉल्यूम 9 बुक 88 हदीथ 232, नरेटेड अबू हुरैरा। Allah's messenger said, the hour will not be established till the buttocks of the women of the tribe of Daos move while going round Dhi al-Khalasa. Dhi al-Khalasa was the idol of the Daos tribe which they used to worship in the pre-Islamic period of ignorance. तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है कि महिलाओं के नितंब नहीं हिलेंगे। मैम वो कैसे ब्लॉक हो सकते हैं हिलने से? अरे ब्लॉक किसको करना है, ये कहां से आप पढ़ रहे हो? ये कहते हैं कि ये जो पकड़ के कौन रखेगा उनको, मतलब पकड़ के कौन रखेगा जो हिलेंगे नहीं? नहीं मतलब नहीं हिलेंगे मतलब जैसे ये डांस करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इनका बैली डांस होता है, अरबी डांस, तो ये लोग अपने जो है कूले मटकाते हैं ना जबरदस्त। जीनी जी आपने इतना मजेदार क्वेश्चन मिस कर दिया। अरे रे, क्या था मैम? वो ये था पिछवाड़ा, ये हाँ ये वाला था कि मोहम्मद ने कहा, सबसे मजेदार बात पता है क्या है, ठाकुर की हुरे कैंसल हो गई। अरे मैम अब मुझे 72 ही मिलेंगे मैम।
कि मोहम्मद ने कहा कि जब तक भी अल खलासा इट वॉज एन आइडल उसके चक्कर लगाते हुए दाउस जनजाति देयर वॉज अ ट्राइब, तो जब तक उनके नितंब उनकी महिलाओं के नितंब नहीं हिलेंगे तब तक आखिरी घंटे यानी लास्ट आवर की स्थापना नहीं होगी। तो ये था अच्छा। मतलब द आवर विल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन द बटेक्स ऑफ द वुमेन ऑफ द ट्राइब दाउस मूव व्हाइल गोइंग अराउंड धी अल खलासा। ठीक है, अब आज का लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नरेंद्र जी के लिए, आई थिंक वो तैयार है क्या? ऑब्सेशन है मोहम्मद जी का। अच्छा कितने लोगों ने सही आंसर दिया था? कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? सी सी। हाँ सो एडवोकेट मेरा तो राइट था और किसी का पता नहीं मुझे। मैडम आरती मैम को सब पता है किसका कब क्या हिलेगा। बदतमीज हलाला स्पेशल जी भी करेक्ट थे, गौतम सिंह जी भी करेक्ट थे, एलआरएम जी करेक्ट थे, बीजे जी करेक्ट थे, हरीश कुमार शुक्ला जी भी करेक्ट, जितेंद्र जी भी करेक्ट जी। अच्छा जोनम ठाकुर कि ना आप वो चलेंगी तो हिलेंगे तो ऐसे नहीं हिलना है, मतलब जो ये बेली डांसिंग करते हैं तो अपने कूले जोर जोर से मटकाते हैं वैसे। तो मैम अगर वो वैसे हिलाएंगी तो वैसे भी तो हिलेंगे ही, चलते चलते फ्रीज थोड़ी हो जाएंगे। मतलब इतने इतने ये जैसे वो बेली डांसिंग में हिलाते हैं। दिखाइए अपनी मछलियां दिखाइए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ना उस पर चलते हैं। जीनी जी आर यू रेडी, भारती जी और नरेंद्र जी आर यू रेडी? रेडी मैम। ठीक है चलिए ये हाइड कर देते हैं कमेंट और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के क्विज का। 56 लोग ही देख रहे हैं, प्लीज लाइक करिए क्विज को। ये कहां से इतनी जोर सी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। केवल भारती जी जो है उनका माइक खुला होना चाहिए, फिर जब वो बोल चुकेंगी तब नरेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट कर लेना, फिर जीनी जी बोलेंगी। चलिए शैतान। अरे जी, दीन की रोशनी में आज का आखिरी प्रश्न जहे नसीब, शैतान कैसे जन्म देता है? ऑप्शन है ए अपनी टांगों को हिलाकर, बी जादू से, सी फूक मारकर, डी ताली बजाकर। तेल का ऑप्शन नहीं है बट मुझे करेक्ट आंसर पता है। ठीक है नरेंद्र जी कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? सी मैडम। कौन सा? सी फूक मारकर। छोटे से प्रश्न का बड़ा सा जवाब। अच्छा तो चलिए मैं प्रमाण पढ़ देती हूँ मैम। हाँ द प्रोजनी ऑफ इब्लिस एंड हिज डिसेंडेंट्स एंड फॉलोअर्स द वर्ड ऊपर हिंदी वाला सारा। अच्छा तफसीर कुर्तुबी और कुरान 1850 ये एक्चुअली इट्स ब्लॉक्ड बाय दिस काउंट मैम, लाइक काउंट तो दिख नहीं रहा मुझे। ठाकुर जी आप पढ़ दीजिए हिंदी, आई थिंक आपको दिखेगा ना भारती मैम और मुझे। मैं मुझे हाँ मुझे तो दिखेगा, आपको दिखना बंद हो गया, पढ़ देते हैं। ठाकुर हिंदी पढ़ देगा और इंग्लिश जीनी पढ़ देगी। शैतान के पास एक जिक्र लिंग है, वाह उसके दाहिने टांग में दाहिने टांग में लिंग है, ये कहाँ हो गया गलती गलत जगह। शैतान के पास एक जिक्र। आपकी आवाज कम हो गई ठाकुर। अरे मैम रुकी है अजाब आ रहा है धीरे धीरे।
शैतान के शैतान के पास एक जिक्र लिंग है उसके दाहिने टांग में और उसके बाएं टांग में एक योनि है। अरे वाह, वो अपने दोनों टांगों को हिलाता है और खुद से सेक्स करता है। ओ, अपने से ही प्यार जताऊं है। इस तरह वो प्रतिदिन 10 अंडे देता है। हर अंडे से 70 शैतान और 70 शैतानियां निकलती हैं। जैसे ही शैतान निकलता है वो उड़ने लग जाता है। मैम ये तो खुद से ही प्यार जता रहा है। खुद से ही प्यार जताऊं है। मैं तो खुद से प्यार जताऊं। ना खाली तफ़सीर कुर्तुबी में दिया हुआ है कुरान के 1850 का एक्सप्लेनेशन और जो इंग्लिश वाला है ना वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अच्छा मैं पढ़ूं फिर इंग्लिश का। पढ़िए। हाँ। The progeny of Iblis and his descendants and followers, the word Dhuriyata in verse 50 indicates that Iblis, Shaitan, has offspring and a host of descendants and followers. Some commentators have said that progeny at this place means accomplices. That the Shaitan has offspring from his loins is not necessary, but there is a Sahih Hadith which Humaydi has reported in Kitab al-Jam, Bain al-Sahihain, on the authority of Sayyidina Salman al-Farizi. According to his narration, the Holy Prophet told him, do not become like those who are the first to enter the bazaar, shopping center, or those who are the last to leave it. For the bazaar is a place where the shaitan has his eggs, and offspring laid around. This would indicate that the progeny of Shaitan spreads out in that manner through what is laid and hatched by him. After having presented this report, Al-Qurtubi has said that the Shaitan has accomplices and armies is something established by conclusive proofs. And as for the Shaitan having offspring, a Sahih Hadith has appeared above. Allah knows best. Ma'am, ye dekhiye. बाजार जो शॉपिंग सेंटर है वो है इसका लेयर जहाँ पे ये अंडे देता है और हैच भी करता है, मतलब मुर्गी की तरह अंडे डालता है और उसको हैच भी करता है। हाँ। मतलब गर्मी दे के हैच करता है अंडों को। भाई ये क्या टू मच। अच्छा ये तहीमा जी बोलती है आमीन। अच्छा ठीक है। हर रोज 700 शैतान और 700 शैतानियां पैदा करता है रोज। तनीमा जी भी लगता है खुद से प्यार जताती है मुझे लगता है। या किसी के व्हाट्स योर नेम माय नेम इज आमीन। बात करिए ठाकुर जी किसी पर्सनल उसके ऊपर ना बात करिए। मतलब ये मैम वो नीचे आमीन लिख रही है कमेंट में, आप इसका मीनिंग समझे। मतलब आमीन ये कि उसका मतलब ये कि ये बात सही है। हाँ तो चलिए मैम, आप शैतान अगर मुर्गी है तो अंडे देता है और लिमिटेड 10 अंडे ना, कितने अंडे 10 और उसको हैच भी करता है, कितना स्वीट है, अंडे दे के उसका केयर भी लेता है। पर मोहम्मद ने तो किसी का केयर नहीं किया, ये तो अपने बच्चों का तो ख्याल रखता है ना शैतान, वो तो बेहतर है। हाँ मतलब ये कि देखो भाई वो बच्चे पैदा कर रहा है अंडे दे रहा है और देखो लेफ्ट लेग में एक पीनस है और राइट लेग में वजाइना है और वो अपने आप से हिला हिला के मतलब अंडे पैदा कर रहा है। मैं वो कभी टांगों को जोड़ देता है कभी फैला लेता है, पता है आपको। हाँ देखो कितना ज्ञान। और हर अंडे में से 70 शैतान और 70 शैतानियां निकलती हैं, यानी कि 700 शैतान रोज और 700 शैतानियां। हाँ देखो उनको सबके कंधों पे बिठाने होते हैं ना, तो इतने तो पैदा करने पड़ेंगे उसको। मैम पर अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा टाइम। अरे मैम मुझे एक ये मिल गया। देखो ये बोलते हैं नबी बोलते हैं औरत एक शैतान है और शैतान यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चों की फैक्ट्री लगा के बैठा है। हाँ देखिए
आज वैसे काफी ज्ञान प्राप्त हुआ ना कि हम सब्जी की तरह अंकुरित होंगे लास्ट आवर पे। और सबसे अच्छा भारती जी आपको कौन सा लगा आज का, नरेंद्र जी आपको कौन सा लगा, ठाकुर जी आपको कौन सा लगा, और हम खुद से प्यार करना। हाँ मेरा भी वो लास्ट वन बहुत माइंड ब्लोइंग था भाई, खुद से प्यार करना मैम। ये एक नई जानकारी थी। आपका सबसे अच्छा कौन सा था मैम? आज हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो माइंड ब्लोइंग थे, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग थे। सारे जो क्वेश्चन थे उनमें सबसे अच्छा कौन सा था? सब्जी से अंकुरित होंगे हम वो अच्छा था, कि जो दाइफ हदीस और सही हदीस का वो था वो अच्छा था, कि नितंब हिलने वाला अच्छा था, कि पाग मारने वाला शैतान वाला अच्छा था, कि लास्ट वाला बच्ची पैदा करने वाला अच्छा था। मैम ये बेली डांस वाला, ये बेली डांस वाला बहुत अच्छा था। राम गौतम सिंह जी का हमेशा कमेंट बहुत मस्त है। शैतान ने तेल बचा वो जब हिलाएंगी, जब वो हिलाएंगी तभी वो घंटा डिसाइड होएगा। ये बहुत अच्छा है मैम, बेस्ट है, टू मच है। भारती जी कमेंट पढ़ा आपने पिछला? क्या लिखा है? ये शैतान ने बचा लिया, तेल बचा लिया। लास्ट वाला एडम सीकर का एक शॉट था मैम, मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो मेरा सबसे फेवरेट है। तो ये ना मैं बोल रहा हूँ थोड़ा, वो इट टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स। तो शॉर्ट में उन्होंने ये जोकर नालायक है ना, वो बोलता है एक फॉरेनर को, जैसे व्हाट यू ईट, मतलब क्या था वो, हाँ समथिंग लाइक दैट, यू थिंक लाइक व्हाट यू ईट और व्हाट यू ईट यू थिंक, ठीक है, क्योंकि वो सुअर खाते हैं ना पोर्क। तो उसके बाद एडम सीकर जी बोलते हैं कि देखो वो हदीस पढ़ते हैं जहाँ इनके जो हजूर है ना वो वाइल्ड एस के मांस को खींच खींच के खाते हैं, तो देन दे शो व्हाट यू यू एक्ट लाइक व्हाट यू ईट। तो इन्होंने गधा खाया तो ये क्या बने, आंसर क्या है कमेंट में दीजिए। हाँ इफ यू ईट पोर्क विल बिकम लाइक पोर्क, तमीना सेड राइट। तो इफ यू ईट एस व्हाट यू बिकम, गधा खाते थे तो गधे हो। हाँ हाँ नहीं वो सेंटेंस मुझे करेक्ट कर रही है, वो करेक्ट है। You eat pork, you, हाँ, you eat pig, you act like pig बोला जोकर नालायक ने। तो एडम सीकर जी का ये था कि इफ आपके नबी ने तो गधा खाया तो वो क्या बने, यू ईट पिग यू एक्ट लाइक पिग, तो इफ यू ईट डोंकी यू एक्ट लाइक, वही था आंसर उसका। बहुत मस्त है वो शॉर्ट। वो क्या बोला फिर? अरे वो डोंकी है ना, वो बोलते नहीं है, वो डाल देते हैं पिक्चर। सी योर जोकर नायलक इज टेलिंग इफ यू ईट पिग यू एक्ट लाइक पिग, सो एडम सीकर सेज योर नबी एट डोंकी सो ही एक्ट लाइक डोंकी। मैं चाहता हूँ नहीं, ये जिन्हें आपने ना इसको कुछ अधूरा छोड़ दिया, दे एक्ट लाइक पिग एंड थिंक लाइक डोंकी, ठीक है। देखो एक्ट तो उनके पिग वाले ही है, वो तो है। हम वो पांच हमारे सत्तर, ठीक है ना, तो एक्ट तो उनके पिग वाले हैं। हाँ एंड थिंक लाइक पिग क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल वर्जित है, ओ एक्ट लाइक डोंकी दिमाग का इस्तेमाल वर्जित, यानी दोनों क्वालिटीज है। आपका मतलब ये है कि वो ऐसे सुअर हैं जो गधों की तरह से बिहेव करते हैं। सही बोला, उसमें भी अलतकिया, बताओ सुअर है तो सुअर बन के नहीं रह सकते, अलतकिया करना है गधे की तरह। अरे रोमशी जी आगे। रोमशी जी स्वागत है आपका, आपको और पहले आना चाहिए था। नहीं हम थोड़ा सा डर रहे थे। क्यों? अरे क्यों सर?
अरे कहीं इनको 72 होने नहीं मिली तो इनकी दिक्कत हो जाएगी ना फिर, पता है आपको। ना ना ना, नॉट दैट, नॉट दैट। एक्चुअली कभी कभी समाज में रहना पड़ता है तो कंपनी में थे तो वहां पर तो आना मुश्किल था ना, बाद में छुटकारा हुआ है तो फिर आए। हम भी तो काम कर रहे हैं, हम लोग भी तो, हम 10 बजे जुड़े थे। नहीं सर, हमारा थोड़ा लंबा चल गया था, कभी कभी हो जाता है तो। ओम श्री, आपने स्ट्रीम सुना आज का? बीच बीच में मैं देख रहा था साइलेंट मोड में। अच्छा, तो कुछ तो लग रहा था कि आप लोग का चल रहा है क्विजिंग वाला प्रोग्राम। क्विजिंग था ना आज, क्विज चल रहा था ना? हाँ, ट्रिपल आर क्विज। तो मैं जो जो सब वॉच कर रहे हैं, प्लीज बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा आज के क्विज में, कमेंट्स में शेयर कीजिए। उतना लंबा मतलब कंटिन्यूअस देख नहीं पाए बीच में, जैसे कि हम बताए आपको कि मैं थोड़ा बिजी था तो जस्ट मैं एक क्लिप छोटा सा देख के फिर छोड़ देता था, उस टाइप का कुछ कुछ। उन्होंने पहले जवाब दे दिया इस चीज का, उनको डांस वाला ज्यादा नंबर, लोगों को डांस वाला पसंद है। नितंब, मैं दोबारा इसको देख लूंगा जी जी पूरा। प्रीति मैम साइलेंटली एंजॉय करूंगा उसके बाद। माइक बंद है आपका, स्वागत है जितेंद्र, कहिए क्या कहना। मैडम ये जो शैतान बच्चे पैदा कर रहा है अपनी जांघों से, तो उसके तो वो तो हर्माफ्रोडाइट है, पर उसके जो बच्चे हो रहे हैं वो या तो शैतान है या शैतानी है, यानी वो एक ही लिंग वाले हैं, तो वो तो आपस में शादी करेंगे फिर, एक ही शैतान कर रहा है ना वो, जो जिसके दोनों लिंग है, बाकी के तो नहीं है दोनों लिंग जो उसके बच्चे हो रहे हैं, यहाँ गड़बड़ है। वो भी अपने से प्यार जताएंगे। दूसरी बात, शैतान इस तरह से बच्चे पैदा कर रहा है जबकि शैतान को आग से बनाया गया है, तो उसे हैच करने की जरूरत क्या है अंडों को, वो तो वैसे ही गर्म है। सुनिए आप दिमाग लगाने लगे ना, यही गलती है। ओह नहीं लगाना, मेरे को स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, वो छोड़ के सब लगा देना, उसको छोड़ के सब लगा देना। जी जब उनका दिमाग जो है ना पिछवाड़ा है और पिछवाड़ा दिमाग है, तो अब ये जो है ना क्या बोलते हैं इनसे, उस समय मोहम्मद से जो कोई क्वेश्चन पूछता था वो जो मुंह में आता था उस समय बोल देते थे। एक और इसका भी दिखाना, ये जब पिछवाड़ा उठाते हैं तो शैतान आता है पीछे से इनके पिछवाड़े गुदा में से एक बाल तोड़ के ले जाता है, फिर उसे सूंघता है यार। अरे जितेंद्र जी ऐसी बातें मत करिए, मैं रात को सो नहीं पाऊंगा वरना। अरे मैं खुद नहीं सो पाऊंगा, मुझे स्पॉन्डिलोसिस है, बड़ा जबरदस्त दर्द हो रहा है सिर में। अच्छा मैं चलता हूँ। सूंघने सांगने की बातें मत कीजिए, लॉजिक पर डिस्कशन नहीं करना है ना इसमें, लॉजिक नहीं करना है। अभी देखिए और जब ये अजान होती है मैम, जो नास्टी हरकत करता है शैतान, तीन तीन बार जाता आता है पूरे वर्ल्ड में, बताइए इस पे से क्लाइमेट चेंज नहीं होगा क्या? इनको अजान देना बंद कर देना चाहिए फॉर द सेक ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की सबसे ज्यादा बड़ी वजह बन गया है। प्रीति मैम, मैं तो चाहता हूँ कि आप स्ट्रीम क्लोज कर दीजिए, बहुत टाइम हो गया मैम, 4 घंटे की स्ट्रीम होने वाली है। ये करेक्ट, 3 hours 48 minutes हो गए। माइक बंद है आपका, बस हमारा मुंह देख रही हैं आप जी, उनकी बातें अभी। चलिए तो फिर मैं सबको बैक में करती हूँ, और ठाकुर जी आप अपने कमेंट्स दे दीजिए, भारती जी दे देंगी, जीनी जी दे देंगी। चलिए मैं सबसे आखिर में दूंगा, सबसे पहले ये दे देंगे, सबसे पहले ये कर लें अपना। ठीक है भारती जी, कमेंट्स आपके। आज दिन की इतनी रोशनी फैली, सबके आसपास प्रकाश फैल गया होगा ज्ञान का, तो सब लोग आंखें चुधिया गई होंगी सबकी, तो सब लोग ये ज्ञान को ध्यान से रखे, संभाल के रखे।
सबको इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि क्या हो रहा है, दीन कितना सच्चा है, कितना पाक साफ है, वो सब चीजों का ज्ञान आपको मिल रहा है। तो उसकी पाकीजगी को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये कितना पाक है जी। और सनातन की भलाई के लिए काम कीजिए। एक और चीज साफ समझ में आती है, ये सरकार शायद या कोई भी सरकार आज तक आपके आपके हित के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसके इसमें दम नहीं है। वो आके सिर्फ आपके पंचनामे भर सकती है, ना तो वो किसी मुजरिम को सजा दे सकती है। कोर्ट में केस चलते हैं पर न्याय नहीं मिलता, इसलिए अपना अपने आप को न्याय देने की जिम्मेवारी अब आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जीनी जी। जी मैम, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ज्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट ऑल लॉजिक जो आपकी दीन है। और अगर आपको कोई एजुकेटेड मोमिन मिले जो फिर भी लॉजिकल थिंग्स में विश्वास रखता है, मानता है, तो उसको सजेस्ट कीजिए कि एक्स मुस्लिम चैनल में जुड़े या फिर हमारे चैनल में जुड़े। बट प्लीज उनसे पर्सनल डिबेट्स में ना उलझें, बस जान लें कि किस तरह के मूर्खों से हमारी मतलब पाला पड़ा है। तो अपने आप को सेफ रखिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए, बस इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू। जी ठाकुर जी। जी मैम, मैम मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम सभी चीजें, नितंबों की तरह ज्यादा ध्यान ना दें क्योंकि नीचे मैम मैं कमेंट पढ़ रहा था, बंदों का ध्यान वहीं पे था, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। और अपना जैसे कि आप हमेशा कहती हैं मैम कि जैसे जीनी ने कहा कि कभी भी किसी बंदे के साथ उलझे ना उसको समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे आपका ही अपना लॉस होगा। क्या पता सामने वाले की क्या सोच है, वो किस तरह से उस चीज को कितना सीरियसली लेगा, तो वो आपको हार्म कर सकता है। तो इस चीज से दूर रहिए और अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन, जब वो आप हमेशा कहती हैं कि वेपन्स रखिए, किसी को मारिए मत, अगर कोई आपको मारने आता है तो उसका उस चीज का रिटेलिएट कीजिए। जी मैम, बस इतना ही कहना है मैम। जी मुझे ये कहना है कि आज मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है कि ज्यादा लोग नहीं आ पाए, जो मैं सोच रही थी और आएंगे, तो जो हमारे रेगुलर आते हैं उतने भी नहीं हो पाए। 120-140 तो हमारे हो जाते थे और आज बहुत कम रहे, तो इस बात का मुझे अफसोस है। इसका मतलब कि आप लोग जो हैं वो इधर उधर जा रहे हैं और इस चैनल को नहीं प्रमोट कर रहे। अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम चैनल बंद कर देंगे। फिर आप लोग जो है अपने आप ही सनातन को मजबूत करिएगा, अपने आप ही करिएगा अगर आप सहायक नहीं होंगे तो मुझे इस बात का अफसोस था। मैंने अपना वो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, इसके बावजूद भी बहुत कम लोग आए, जितने रेगुलर आ रहे थे वो भी नहीं आए। तो ये बात का मुझे अफसोस है क्योंकि मैं ये क्विज बनाती हूँ तो मुझे बहुत सारे घंटे लगते हैं इस क्विज को, कहीं कहीं से निकालती हूँ मटेरियल और फिर रेफरेंसेस निकालती हूँ, तो क्विज बनाने में और फिर चार ऑप्शंस लगाना, ये सब करने में मेरे 4-5 घंटे आराम से निकल जाते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद अगर कोई ना आए तो दुख होता है। फिर मैं लास्ट में कहूंगी, आप हलाल प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करिए, बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातनी बेबी सीटर्स रखिए और अपने घर में सारे सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखिए। अकेले ना निकलिए, आस पड़ोस के हिंदुओं को साथ लेकर निकलिए, सुरक्षित रहिए। इसके साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं कल 5 बजे ऋग्वेद के साथ। जी मैम, सरस्वती जी।